स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को स्वागत है आप सभी लोगों का अन के लेट्स क्रिक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप लोग तैयार हो जाइए और एक बार क्लियर कर दीजिएगा आप सभी लोग क्योंकि तो थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम थी माइक में प्रॉब्लम थी इसीलिए थोड़ा समय भी लगा और आवाज़ आ रही है क्या साउंड आ रहा है क्या आप सभी लोगों को आवाज़ के बारे में बताइएगा बस मिस्टर राठौर आवाज़ आ रही है बाबू नेहा चौधरी विवेक मिश्रा आवाज़ आ रही है हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार सलाम नमस्ते आप सभी लोगों को ओके ओके वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए हाँ हमें हाँ, भी लग रहा है कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है है ना? ओके ओके कुछ लोग कह रहे हैं हाँ आवाज़ में धनकार भी है सर क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को तो हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग आज शुरू करेंगे मुगल काल का इतिहास और मुगल काल का राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः बाबर और हुमायूं को पढ़ेंगे और इसके बाद में अकबर की शुरुआत भी हम लोग कर देंगे ठीक तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो आपको एक तरीके से जो मुगलियन हिस्ट्री है वो कम्प्लीटली आपको तैयार हो जाएगी तो आप सभी लोग फटाफट तैयार हो जाएं और क्लास को अपने साथियों के बीच में शेयर कर लें जल्दी से जल्दी अपने साथियों के बीच में अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को शेयर कर लीजिए आप सभी लोग और तैयार हो जाइए देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफार्म और यहाँ पे जो प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं वो लगातार आपके बीच में हैं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इसमें निरंतर मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने हूँ इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कुछ नवीन बात आपको मैं आपको बताता हूँ खास करके वर्तमान में जो संस्थान में एडमिशन लेना चाहता हो एडमिशन लेके टू द सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ाई करना चाहता हो तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑफर आया है और 11 तारीख के पूर्व तक आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यानी एडमिशन ले लेना है यहाँ पे इस समय आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच है यूपीएससी के जिसमें यूपीएससी का प्री मेंस और सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है आपको आपके आपके घर पर नोट्स भी पहुँचाया जाता है आपको टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर मिलती है और दूसरी सबसे और मुख्य बात है कि आज के ज़माने में सफलता सबको मिलती है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति सफल होता है लेकिन बात है कि 40 साल की उम्र में किसी को सफलता मिलती है तो उसका मायने बहुत कुछ नहीं रह जाता लेकिन उसके लिए तो होता ही है तो मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले अगर वास्तव में आप लोग सीरियस हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारा आपको गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा जहां भी आपको संस्थान में ज़रूरत पड़ेगी और हमारा रेफरल कोड आप लोग यूज़ कीजिए और इसके द्वारा यहाँ पे संस्थान में एडमिशन लीजिए हमारा रेफरल कोड आप लोगों के बीच में है एस एन जे डबल हमारा नाम भी है इसी का प्रयोग करना है और संस्थान में कहीं भी आप लोग एडमिशन लीजिए यूपीएससी के अलावा कहीं भी किसी भी कोर्स में आप हमारे रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए आप हमें एक बार सूचना भी दे सकते हैं आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिलती है और प्रॉपर हमारा गाइडेंस मिलता है तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता जब तक आप तैयारी करते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक साल का कोर्स है डेढ़ साल का कोर्स है एक साल या डेढ़ साल का कोर्स आप लोग यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मंथ की, की, तो की मतलब बारह महीने का कोर्स परचेज करते हैं आपको पंद्रह महीने की क्लास यहाँ पे प्रॉपर मिलती है और तीन महीने बहुत बड़ी बात होती है इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसकी फीस वगैरह क्या है एक साल डेढ़ साल दो साल और तीन साल का यहाँ पे कोर्स है और यहाँ पे प्लस कोर्स के कम्बो सब्सक्रिप्शंस में ये छूट आपको मिल रही है इसकी फ़ीस यहाँ पे मेंशन है और प्लस और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है तीन महीने का और छः महीने का भी इसमें हमारा रेफरल कोड आपके सामने है इसका प्रयोग करना है एडमिशन लेते समय इसी से आपको फ़ीस में दस की छूट भी मिलेगी और प्रॉपर हमारा गाइडेंस भी मिलेगा तो एडमिशन ले सकते हैं ग्यारह मई के पहले तक इसके अलावा अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होना है जा रहा है यहाँ पे एक तरीके से पंद्रह मई को संडे को और सुबह ग्यारह बजे इसमें भी आप लोग भागीदारी कीजिए हमारा रेफरल कोड वही है ऐसे एन जे डबल इसका प्रयोग कीजिए और इसके द्वारा यहाँ पे आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए हमारा रेफरल कोड आपके सामने है एस ए एन जे डबल ई बी इसका प्रयोग कीजिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कई गिफ्ट कार्ड भी हैं और सबके लिए ये टेस्ट है इसमें कोई एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगती है यहाँ पे काम टेस्ट भी है ये आपके सामने ये टेस्ट सीरीज भी है इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है ये सिक्स मंथ की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है वन ईयर की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है इसमें आपको जीएस का पेपर भी यानी टेस्ट मिलेगा और सीसेट का टेस्ट यानी पेपर मिलेगा तो यानी प्रारंभिक परीक्षा का यूपीएससी का टेस्ट सीरीज़ है इसमें छः महीने एक साल का टेस्ट सीरीज है इसमें आप लोग एडमिशन लेते समय हमारा रेफरल कोड आपके सामने है एस एन जे डबल ई बी इसका प्रयोग कीजिए इसी से आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिलती है और प्रॉपर हमारा गाइडेंस मिलता है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे मार्क इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है आप लोग यहाँ पे भागीदारी कर सकते हैं जिनका मुख्य परीक्षा में रिजल्ट आया है संस्थान में आप लोगों के लिए ये आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जीरो लेवल से यहाँ पे पढ़ाया जाता है पर्सनल कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है और प्रॉपर यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलता है टेस्ट सीरीज मिलती है एंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होता है इसके अलावा यहाँ पे स्टडी प्लानर आपका होता है और ये सभी एजुकेटर के साथ में ओपन हाउस आपको मिलता है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति लोन के द्वारा भी एडमिशन ले सकता है और लोन का संस्थान कोई चार्ज नहीं लेता आराम से किस्तों में प्रति महीने फीस जमा करके पढ़ाई कर सकते हैं तो अगर कोई लोन के द्वारा भी एडमिशन लेना चाहता हो तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है लोन में अगर कोई दिक्कत आ रही तो थो। थोड़ा पेपर वर्क भी करना पड़ता है और दो चार घंटे में अप्रूवल भी हो जाता है इसके अलावा जो आपका न्यू बैच है वह सिक्स मे से शुरू हो रहा है मतलब कल से नया बैच शुरू हो रहा है एडमिशन ले सकते हैं और ये संस्थान के बारे में अन्य बातें यह संस्थान के बारे में अन्य बातें हैं ठीक है यह संस्थान के बारे में अन्य बातें भी हैं रेडी तैयार तैयारम हम्म hmm? ओह अच्छा ओके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से पहले टॉपिक का नाम लिखिए आप सभी लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं और नोट्स भी बनाते आज मध्यकालीन भारत आज बहुत कायदे से आप लोगों को पढ़ाने का मूड है वैसे मैं हमेशा ही बढ़िया पढ़ाता हूँ आप लोग तो जानते ही हैं और आपका सब टॉपिक क्या है मुगल काल ठीक है मुगल काल और मुगल काल में सब टॉपिक क्या है बाबर और हुमायूं क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबर और हुमायूं के इतिहास को पढ़ेंगे ठीक है अब सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं तैयार है ना आप सभी लोग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए समझिए कि ऑफलाइन की क्लास आज आपको मिल रही है और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप लोग कंसनट्रेट होंगे तो आपको फील होगा कि आप लाइन से भी बड़ी लाइन की क्लास है मतलब हंसने की बात नहीं है सीरियसली मैं बता रहा हूं इससे बड़ी आप पढ़ के भी कहीं देख लीजिएगा तैयार आकाश जी मिश्रा क्या हालचाल है अच्छा चित्रकला वाली पीडीएफ आपको नहीं मिली है मिल जाएगी और, और तैयार हैं आप सभी लोग बातें नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा बेहतर होगा बातें करेंगे तब भी आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि अपने बारे में अपने से अच्छा कोई नहीं जानता है ना अपने बारे में अपने से अच्छा मैं भी नहीं जानता आप भी नहीं जानते तो सबसे अच्छा आप ही अपने बारे में जानते हैं कि आपका समय आपको क्या कहता है क्यों सी यू यादव स्टार्टिंग से ही ये लोग हैं मैं देख रहा था बबलेस मीना है सीलू मिस्टर बिपिन निसी एंड चौधरी लोग हैं अनिकेत अमित मिश्रा यानी ब्राह्मण शेर साहब हैं और कौन है भाई सुनील प्रजापति साहब हैं अमन सिंह हैं नेहा चौधरी नेहा एंजल विकास बिसोई बहुत दूर से आते हैं क्लास में ये ओडिशा से आते हैं नंदिनी सिंह काफी दिनों के बाद आज दिखाई पड़ रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी सिंह आपको भी आप आए क्लास में राजपूत साहब हैं ए के एस साहब हैं बिल्कुल शांति से मन की गहराई से आज क्लास को प्राप्त करना है आप सभी लोगों को एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ठीक है तो मुगल साम्राज्य आप लोग पढ़ रहे हैं देख रहे होंगे कि ये जो मुगल शब्द है ना मुगल मुगल शब्द अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये मुख्यतया लैटिन भाषा के एम ओ एन जी से मिलके बना हुआ है किससे मिलके बना हुआ है एम ओ एन जी से मिलके बना हुआ है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है इसका जो अर्थ होता है यानी शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है वो बहादुर होता है यानी मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बहादुर हुआ अब अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में ये जो मुगल साम्राज्य है इस मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है भारत में इस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है तो सबसे बड़ी बात है कि बाबर कौन था कहाँ से आया इसके माता पिता का नाम क्या था इसका जन्म कहाँ हुआ था और पहले ये किस रियासत का मालिक बना और फिर भारत इसका आना कैसे हुआ किस कंडीशन में इसको हम लोग देखते हैं और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेंगे तो आप लोग देखेंगे तो ये जो बाबर है ना इसके इसके बारे में आप लोग देखेंगे तो बड़ी ही फेमस तिथि को इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी चौदह सो को इसका जन्म हुआ था कब इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी चौदह सो ईस्वी को इसका जन्म हुआ था याद रहेगा आप सभी लोगों को और जन्म कहां हुआ था जन्म इसका अंधी नामक स्थान पे हुआ था जन्म अंधी नामक स्थान पे हुआ था और ये जो अंधी है ये कहाँ पे स्थित था ये फरगना में स्थित था लिखते जाइएगा आप सभी लोग इतना बढ़िया नोट्स बना लीजिए कि वो हमेशा आपके काम आए और दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े तो बाबर का जन्म अंधी फरगना में हुआ था ये फरगना कहाँ पे पड़ता है तो ये फरगना मध्य एशिया में पड़ता है कहाँ पे पड़ता है मध्य एशिया में यह फरगना पड़ता है ठीक है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बाबर के बारे में कहा जाता है कि इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था क्या नाम था कुतुलुग निगार खानम था आप कह सकते हैं कुतुलुग निगार कुतुलुग निगार खानम इसकी माता का नाम था इसकी माता के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो माता थी ये कहीं ना कहीं मंगोलियन थी या मंगोलों की वंशज थी तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे प्रसिद्ध जो मंगोल नेता था वो कौन था वो चंगेज था मंगोल नेता जो था वो चंगेज खान था और चंगेज खान कहाँ का निवासी था मंगोलिया का निवासी था चंगेज खान का जो उल्लेख मिलता है आप सभी लोगों को वह बारह में मिलता है और 1221 में आप लोग जानते ही होंगे कि जब अः शासक रहता है तो इल्तुतमिस के समय में इस चंगेज खान के आक्रमण की संभावना भारत के ऊपर बनी क्योंकि चंगेज खान ने आप लोगों ने देखा कि ईरान के शासक के ऊपर आक्रमण किया और उसका पुत्र जो था वो जलालुद्दीन माकबर्नी था तो उसका पिता तो हार गया लेकिन जलालुद्दीन माकबर्नी भारत की तरफ आया और भारत की तरफ जलालुद्दीन माकबर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया और जब जलालुद्दीन माघबर्नी भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर पहुंचा तो इस समय भारत का शासक इल्तुतमिश था जलालुद्दीन मगबरनी ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा जिसका नाम आयनुल मुल्क था उससे अपनी सहायता के बारे में अपील की लेकिन इस समय इल्तुतमिश ने क्या किया कि उस जलालुद्दीन मागबरनी के दूत की हत्या करवा दी और सीधे-सीधे उसको संदेश पहुंचा दिया कि अभी अभी हम दिल्ली सल्तनत के शासक बने हुए हैं गुलाम वंश के शासक बने हुए हैं और जो हमारा साम्राज्य है वह अभी इतना मजबूत नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सकें तो हमें तो अभी नवजात दिल्ली मिली हुई है कैसी दिल्ली मिली हुई है नवजात दिल्ली मिली हुई है अबोध दिल्ली मिली हुई है अभी ये मजबूत है ही नहीं अभी इसका साम्राज्य विस्तृत है ही नहीं तो इस तरीके से कूटनीतिक चाल के द्वारा नवजात दिल्ली को इलतुत ने इस चंगेज खां नामक आक्रमणकारी शासक के आक्रमण से बचा लिया तो यही वो चंगेज खां है और ये जो बाबर की माता आपको दिखाई पड़ रही है कुतलुक निगार खानम ये चंगेज खां का वंशज था इसको याद के रखना आपसे पूछेगा ये चौदहवा पंद्रहवां वंशज था सत्रहवा वंशज था तो मंगोल खां की तरफ से अपनी माता से संबंधित था बाबर और एक तरीके से ये बाबर मंगोलों की तरफ से चौदाहवा वंशज था बाबर के पिता का नाम अगर आप लोग देखेंगे तो उमर शेख मिर्जा था बाबर के पिता का नाम क्या था बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था मिर्जा अगर आप लोग देखेंगे तो ये मुगलों की पैतृक उपाधि है मिर्जा जो नाम के बाद में मिर्जा शब्द लगा हुआ है ये मुगलों की पैतृक उपाधि है मुगलों की क्या बाबर की पैतृक उपाधि है लेकिन बाबर जब आता है तो ये मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है और बादशाह यानी पादशाह की उपाधि को धारण करता है तो ये जो उमर शेख मिर्जा है उमर शेख मिर्जा के बारे में कहा जाता है कि ये बाबर का पिता है और ये तैमूर की तरफ से था ये किसकी तरफ से था ये तैमूर की तरफ से था और तैमूर का पांचवा वंशज था कौन बाबर तो एक तरीके से आप लोगों ने देखा कि मध्य एशिया के दो सूरवीर हैं एक मंगोल का आ, मंगोलिया का चंगेज खां और यहाँ का एक तरीके से मध्य एशिया का ये तैमूर इन दोनों सूरबीरों का एक तरीके से ब्लड बाबर की सिराव में बह रहा है तो सोचो बाबर कितना ग्रेट होगा कितना कितना बड़ा शासक होगा कितना ताकतवर शासक होगा तो यही कहा जाता है कि दो सूर विजेताओं का खून बाबर की सिराओं में बह रहा है एक तो चंगेज खान और दूसरा तैमूर तो यहाँ पे बाबर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा जाना कि बाबर का जन्म अंदीजन फरगना में हुआ ये मध्य एशिया में स्थित है माका माता की तरफ से बाबर एक तरीके से मंगोलों की तरफ से था चौदहवा वंशज और पिता की तरफ से बाबर पांचवा वंशज था तैमूरियों की तरफ से थोड़ा सा प्यार से आप लोग आगे बढ़िए और यहाँ पे आगे बढ़ के कुछ अन्य बातों को देखिए जैसे बाबर के बारे में कहा गया कि बाबर का जब जन्म हो गया जैसे क्या कहा गया बाबर के बारे में कहा गया कि बाबर का जब जन्म हो गया और जन्म के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि माता और पिता की तरफ से कैसे बाबर की स्थिति थी उसके बाद में कुल मिला के आप लोग ये भी देखिए कि बाबर का जन्म कहीं ना कहीं फरगना में हुआ था और ये जो फरगना है मध्य एशिया की क्या है एक रियासत है मध्य एशिया की क्या है एक रियासत है और इस रियासत का मालिक कौन है बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा है कौन है बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा ही है पिता तो होगा ही लेकिन कहते हैं कि ये जो उमर शेख मिर्जा है इसकी बहुत कम समय में मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में बाबर को स्वाभाविक रूप से अपनी ये पैतृक रियासत मिल गई क्या मिल गई पैतृक रियासत मिल गई फरगना नामक एक पैतृक रियासत इसको मिल गई तो बाबर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह महान कूटनीतिक राजनीतिक और इसमें प्रशासन की तो बहुत ज्यादा क्षमता नहीं थी लेकिन बहुत बड़ा साहित्यकार भी था तो यहां से कहानी शुरू होती है बाबर के राजनीतिक जीवन से सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा सहारा चला जाता है भले ही प्रथा दरवाजे पर ही क्यों ना बैठा हो तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि ये जो फरगना है यहाँ की राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करना है एक चैलेंज बाबर के सामने ये भी है और एक महत्वाकांक्षी चैलेंज ये भी है कि इस फरगना के पड़ोस में एक रियासत है जिसका नाम है समरकंद तो समरकंद को प्राप्त करने का बाबर प्रयास करेगा क्योंकि सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप बेगूसराय के निवासी हैं मान लीजिए प्रयागराज के निवासी हैं तो प्रयागराज से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे ज्यादा करेंगे फाफा मऊ होते हुए आप लोग प्रतापगढ़ सुल्तानपुर फैजाबाद की तरफ जाएंगे है ना एक रास्ता लखनऊ की तरफ जाने का है एक रास्ता बनारस होते हुए बिहार या अन्य क्षेत्रों का जाने का है तो फरगना से अगर बाबर निकलेगा तो समरकंद सबसे बड़ी रियासत है और इधर की तरफ जाएगा और सोचेगा यार इस पर कब्जा हो जाए तो क्या बड़ी बात हो तो फरगना तो बाबर के हाथ में है ही लेकिन बाबर अब फरगना के लिए किसके लिए बाबर अब फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और समरकंद के बारे में कहा जाता है कि जो समरकंद है ये डेढ़ सौ बरसों से किसकी राजधानी है डेढ़ सौ बरसों से तैमूरियों की राजधानी है किसकी राजधानी है तैमूरियों की राजधानी है और तैमूरी लोग कितने शक्तिशाली हैं आप लोग जानते ही हैं कितने बाहुबली हैं आक्रांता हैं ये लोग लेकिन बाबर की मजबूरी है कि अगर बाबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो तैमूरियों की राजधानी को प्राप्त करना पड़ेगा अब बाबर ने क्या किया कि जो फरगना नामक रियासत में पैसा वैसा था उसको लगाया और अपनी सेना को संगठित किया अब देखो कोई भी तैयारी करता है प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की अगर मन से तैयारी करता है तो रिजल्ट आता है ये इतिहास कहता है बाबर ने तैयारी की अपनी सेना को ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद में इस समरकंद के ऊपर आक्रमण कर दिया और समरकंद को प्राप्त कर लिया किसको प्राप्त कर लिया इस समरकंद को प्राप्त कर लिया बाबर कहता है हमने फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया हमने किसके लिए प्राप्त किया समरकंद को हमने फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया और समरकंद के लिए फरगना हमारे पास पहले से था ही देखो कितनी अच्छी बात बोलता है अपनी पुस्तक बाबर नामा में बाबर लेकिन होता क्या है कि ये एक तरीके से तैमूरियों का गढ़ है और तैमूरी जानते ही हैं कि कितने खतरनाक तो यहां का जो शासक है वो ईरानी है और ईरानी राजा ने क्या किया कि इस समरकंद से बाबर को भगा दिया पराजित कर दिया तो कहते हैं समरकंद से जब भगा दिया तो ये ईरानी लोग फरगना में भी पीछा करते बाबर का आगे और कालांतर में क्या किया था ईरानियों ने समरकंद को भी छीन लिया बाबर से और फरगना को भी छीन लिया तो बाबर तुर्की भाषा में अपनी पुस्तक लिखता है बाबर नामा जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है और उसमें यह कहता है बाबर कि हमने किसके लिए हमने फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया और समरकंद के लिए फरगना और समरकंद दोनों को संरक्षित किया लेकिन ये दोनों जो राज्य थे ये हमारे हाथ में पके हुए आम के फल के फल तरीके से आए थे किसके तरीके से आए थे पके हुए आम के फल के तरीके से आए हुए थे और इसी तरीके से चले गए जैसे वर्तमान में आम का मौसम आने वाला है खाइएगा विटामिन ए अच्छी मिल जाएगी है ना विटामिन ए बहुत जरूरी है क्या है विटामिन ए बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए तो जो फरगना ये पैतृक रियासत थी यह भी चली गई जो फरगना नामक पैतृक रियासत थी यह भी बाबर के हाथ से चली गई और दूसरी बात तैमूरियों की जो रियासत थी समरकंद ये भी बाबर के हाथ से चली गई तो बाबर के यहाँ से दोनों जो रियासतें चली गई तो बाबर का अब जीवन कैसा है आवारा है और इस आवारे जीवन से इस आवारे जीवन के बीच में लगने वाली ठोकरों से बाबर ने बहुत कुछ सीखा है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तो बाबर थोड़े दिन तक ठोकरे खाता रहा बाबर थोड़े दिन तक ठोकरे खाता रहा लेकिन फिर इस समरकंद को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करता रहा फिर इस समरकंद को लगातार प्राप्त करने का प्रयास करता रहा तो आगे देखिए थोड़ा सा आगे देखिए इस समरकंद को लगातार प्राप्त करने का प्रयास करता रहा कौन बाबर तो समरकंद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और अब बाबर समरकंद और फरगना को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध करता है इस युद्ध का नाम क्या है इसको याद रखिएगा यह बिहार पीसीएस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार क्या तीन, तीन चार वर्षों बाद पहले पूछा गया था सर ए पुल तो इसको कोई बता ही नहीं पाया था तो ईरान में एक स्थान है सर ए पुल तो सर ए पुल का युद्ध होता है ये सर ए पुल का युद्ध कब होता है ये 1502 में एक युद्ध होता है इसको सर ए पुल के युद्ध के नाम से जानते हैं इसमें <coughs> सॉरी सॉरी इसमें एक तरफ कौन है उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर और ये मुगल वंश से संबंधित है किससे संबंधित है बाबूलोग ये मुगल वंश से संबंधित है और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ सैबानी खां है दूसरी तरफ सॉरी दूसरी तरफ सैबानी खां है दूसरी तरफ सैबानी खां है ये कौन है ये उज्बेग है ये कौन है उज्बेग है ये अकबर को भी चैलेंज देते रहेंगे उज्बेग ध्यान रखना आप सभी लोग और उज्बेग शासक ये कहाँ के हैं ये ईरान के हैं और ईरान में ही ये स्थान है सर ए पुल ठीक है ध्यान रखना तो बाबर के बीच में और सैबानी खां उजबेग के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ सर ए पुल के नाम से जानते हैं सारे पुल के युद्ध में ये जो सैबानी खां है अब ये सामान्य शासक तो है नहीं ये भी बाहुबली शासक है तो सैबानी खां इस युद्ध में जीत गया और बाबर को इसने पराजित कर दिया किसको पराजित कर दिया बाबर को पराजित कर दिया तो एक तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की सफलता के लिए बाबर ने जो तमाम सारे नोट्स वगैरह जगह जगह से खरीदे थे किताबें वगैरह पढ़ी थी कि इस बार तो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आना ही चाहिए लेकिन फिर भी बाबर सफल नहीं हुआ यहां पे हार गया जब व्यक्ति हार जाता है तो आप लोग जानते ही हैं कि रोना धोना ये सब होता है लेकिन बाबर ने कभी रोने धोने के लिए समय नहीं व्यतीत किया और किसी को भी व्यतीत नहीं करना चाहिए किसी को तुरंत तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि रोने में वैसे भी समय बीतता है और मुझे आप लोग बताओ कि रोने धोने से मिलता क्या है कुछ नहीं मिलता शांति भी नहीं मिलती और कभी कभी जिंदगी रोने का मौका भी नहीं देती तो रोने धोने से कभी कुछ मिलता उलता नहीं और रोना भी नहीं चाहिए चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो रोता कौन है कमजोर व्यक्ति ना हाँ तो कभी रोना नहीं चाहिए देखो बाबर कभी रोया नहीं अब बाबर के पास तो कुछ बचा भी नहीं और एक शासक के रूप में है जरा देखो फिर हमारा जीवन इसी समय आप लोग देखोगे तो इसका जो झुकाव बना वो भारत की तरफ बना और मध्य एशिया की जो पहाड़ियां हैं उसी में एक बुढ़िया ने इसको इसी समय कहानी सुनाई अब ये जो बाबर है अब इसका ईरान की तरफ या फरगना की तरफ समरकंद की तरफ कभी मोड़ नहीं बना जो कि अंतिम रूप से बाबर पराजित हो गया सर ए पुल के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हो गया अब उधर जाने का रास्ता सारा बंद हो गया तो अब बाबर आएगा तो किस तरफ आएगा भारत की तरफ आएगा और एक बुढ़िया मिली बुढ़िया ने कहानी सुनाई कि बाबर अगर जाना हो तो इंडिया की तरफ जाओ भारत की तरफ जाओ भारत में अपार धन संपदा है भारत को क्या कहा जाता है सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को क्या कहा जाता है सोने की चिड़िया कहा जाता है इसी मुल्तान से ही सोने की खाने शुरू हो जाती हैं और जाइए गोलकुंडा तक सोने की खाने ही मिलती हैं गोलकुंडा कर्नाटक तक क्या मिलती है सोने की खाने मिलती है बाबर ने सोचा होगा अरे वाह ये क्या बात लगता है तकदीर पुनः जाग रही है इशारा कर रही है कि चलो उठो है ना हाँ चलो उठो तकदीर इशारा कर रही है पुनः आगे बढ़ने बढ़ाने के लिए तकदीर या किस्मत आ गई है तो ऐसे ही होता है किस्मत किस्मत आपके दरवाजे पर आती है और आपके दरवाजे पर आके ठोकरे मारती है एक दो बार पे तो आती ही है और कहती चलो उठो मैं आपके साथ हूं अब जरूरत यह है कि आप में इतनी क्षमता है पहचानने की नहीं तो अगर पहचान जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा और जो जीवन बदल जाएगा तो देश भी कम से कम आगे बढ़ेगा है ना हमारा भी थोड़ा बहुत नाम होगा आप लोगों की वजह से तो ये सैबानी खां उजबेग ने पराजित कर दिया सर ए पुल के युद्ध में और सर ए पुल के युद्ध से मामला खत्म हो गया अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो मामला आगे बढ़ेगा वो किसकी तरफ बढ़ेगा अब बाबर कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो ये कहां पे है बाबर बाबर यहाँ पे ईरान के प्रदेश में भटक रहा है और अफगानिस्तान की सीमा पर आ पहुंचा है कहाँ पर आ पहुंचा है अफगानिस्तान की सीमा पर आ पहुंचा है तो अफगानिस्तान में दो स्थान है जिसका नाम है काबुल और कंधार इसी रास्ते से इसी मार्ग से होकर भारत आया जाता था अस्थल मार्ग से अगर एंट्री होगी तो या तो अफगानिस्तान के रास्ते से होगी या तो पाकिस्तान के मुल्तान के रास्ते से होगी यही अस्थल मार्ग है कोई भी मध्य एशिया से आएगा तो अब बाबर पहुंचा कहां पे पहुंचा बाबर पहुंचा काबुल कहां पे काबुल पहुंचा तो काबुल का शाब्दिक अर्थ होता है कब्रगाह काबुल पे रेगुलर अभी तक किसी शासक ने कब्जा नहीं किया यही कंडीशन बाबर की भी है बाबर ने क्या किया बाबर ने इस काबुल को 1504 में जीत लिया ठीक है और जब 1504 में काबुल की विजय बाबर ने की तो बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि को त्याग दिया और पैतृक उपाधि बाबर की क्या थी पैतृक उपाधि अगर आप लोग देखेंगे बाबर की तो मिर्जा थी ये पैतृक उपाधि ठीक ये कैसी उपाधि थी ये पैतृक उपाधि थी इसको बाबर ने त्याग दिया और इस उपाधि के स्थान पे बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की और पादशाह एक तरीके से शुद्ध शब्द है लेकिन एक विशुद्ध शब्द इसी से निकलता है इसका नाम है बादशाह तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो मुगल काल के शासक हैं उनको बादशाह के नाम से जाना जाता है जैसे बाबर बादशाह हुमायूं बादशाह अकबर बादशाह ना कि सुल्तान के नाम से जाना जाता है जबकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनको सुल्तान के नाम से जानते हैं और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला हमने आपको बताया था मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की अल्तुतमिश ने धारण की उसने तो मलिक और सिपाह सलार की उपाधि ही धारण की थी तो बादशाह की उपाधि धारण की लेकिन एक समय यह भी आया कि ये काबुल भी बाबर के हाथ से निकल गया निकल गया प्रिय यहां से लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेंस देने का जब समय आया तो एक तरीके से ठीक ठाक तैयारी नहीं की थी तो ये निकल ही गया जब निकल ही गया काबुल इसके हाथों से तो फिर बाबर के जीवन में भटकाव आया जब बाबर के जीवन में भटकाव आया तो बाबर ने सोचा कि काबुल तक तो हम आ ही चुके हैं क्यों ना अब भारत के आक्रमण के ऊपर भारत के ऊपर आक्रमण का हाथ आजमा लिया जाए तो ये बाबर अब अपनी सेना को संगठित करता है नए तरीके से और ये जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है पश्चिमोत्तर सीमा पे अगर आप लोग देखेंगे तो सल्तनत कालीन शासकों ने कई दुर्ग बनवाए हुए थे ये एक तरीके से खास करके अलाउद्दीन या अन शासकों ने क्या बनवाया हुआ था ये एक दुर्गों की श्रृंखला बनवाई हुई थी तो इस पर बहुत सारे दुर्ग हैं इन दुर्गों में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी जनजातियां हैं जो लड़ाकू हैं और रहती हैं बिना जीते इनको आगे आप बढ़ नहीं सकते तो यहीं पे आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि एक दुर्ग है जिसका नाम है बाजोर और एक और दुर्ग है जिसका नाम है भेरा अब बाबर ने इस बाजोर और भेरा नामक दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया और कहते हैं कि बाबर ने इसी बाजोर और भेरा के युद्ध में पहली बार किसका प्रयोग किया तोप का प्रयोग किया यह बाबर का जो आक्रमण था वो 1519 में हुआ था 1519 में बाबर का यह आक्रमण था बाबर जीत गया जब बाबर बाजौर और भेरा के दुर्ग को जीत लेता है और यहाँ की जातियों को जनजातियों को पराजित कर देता है तो बाबर के सामने अब पंजाब का रास्ता है तो यहाँ पे जब बाबर पहुंच गया तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आगे क्या कंडीशन है जरा देखिए जब भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पे बाबर पहुंच गया तो आगे की क्या कंडीशन है इसको जरा आप लोग देखिए इस समय ये जो भारत है भारत में यहाँ पे दिल्ली है मान लीजिए कि भारत में यहाँ पे क्या है दिल्ली है नहीं मानेंगे तब भी मानना तो पड़ेगा ही क्या है यहाँ पे दिल्ली है ठीक है अब ये जो दिल्ली है दिल्ली में क्या मामला चल रहा है जरा गौर से सोचिए तभी ना समझेंगे आप लोग दिल्ली में क्या मामला चल रहा है बाबू लोग दिल्ली में क्या कंडीशन है हुँ? दिल्ली में क्या मामला चल रहा है हुँ? कहो बाबूजी बाबूजी जरा बच के चलो हम्म राहुल आज तुम्हारा वो उत्तर दे देंगे हुमायूं वाला चिंता मत करना <laughs> राहुल मौर्या हाँ हुमायूं के लिए बहुत परेशान थे ना आज आ गया है हुमायूं की बारी कहाँ हो राहुल मौर्य प्रकट हो सामने आओ बहुत पीछे बैठे हो क्या राहुल हम्म बहुत पीछे बैठे हो तुम ओ, हो 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 क्या बात है क्या बात है रंजेश पंडित जी ऋतुराज संजय कुमार क्या आनंद सुरुचि. ओके ओके आगे बढ़ते हैं तो ये दिल्ली का मामला है किसका मामला है दिल्ली का मामला है एकेएस एस एक इसमें एकेएस के नाम से क्या नाम है इनका अनिमेष नाम है कुछ और ही कह रहे हैं दिल्ली का मतलब दिल्ली ही है भाई दिल्ली का मतलब और कुछ मत समझिए आप सभी लोग तो ये दिल्ली है और दिल्ली में यहाँ पे किसका शासक है दिल्ली में लोधी वंश का शासक है ठीक है दिल्ली में लोधी वंश का शासक है और लोधी वंश आप लोग जानते ही हैं कि चौदह में इस्टेब्लिश हुआ और पंद्रह में अभी इसको खत्म करवा देंगे चिंता मत कीजिए आप सभी लोग तो चौदह से इक्यावन का समय काल है लेकिन इसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो इब्राहिम लोदी इस समय शासक है कौन है इब्राहिम लोदी इस समय शासक है और लोदी वंश का यह चौथा शासक है लोदी वंश का यह तीसरा शासक है ध्यान रखिएगा पहला शासक बहलोल लोदी है दूसरा इब्राहिम दूसरा सिकंदर लोदी है जिसने आगरा की स्थापना की थी और तीसरा और अंतिम शासक कौन है यह है, आपका तो इब्राहिम लोदी है तो इब्राहिम लोदी है और इब्राहिम लोदी एक पराक्रमी शासक है ताकतवर शासक है बाहुबली शासक है लेकिन अपने आसपास में जो राज्य हैं ये दिल्ली के आसपास में जो राज्य हैं ये इसे बड़ी नफरत करते हैं इब्राहिम लोदी से खास करके इसका जो परिवार है इसके चाचा जो हैं और इसके चाचा के जो बेटे हैं वही इससे नफरत करते हैं तो इस समय आप लोग इधर देखिए इस समय इधर की कंडीशन देखिए ये बाबर को अगर आप समझ लेंगे पूरा मुगल काल समझ लेंगे इस समय ये जो बाबर है ये भारत की सीमा पर आ चुका है ठीक और ये जो भारतीय लोग हैं जो इब्राहिम लोदी से नाराज हैं ये जान चुके हैं कि बाबर भारत की सीमा पर आ चुका है अब नाराज कौन है इब्राहिम लोदी से इब्राहिम लोदी का चाचा नाराज है और इसके चाचा का नाम है आलम खां लोदी इसके चाचा का नाम है आलम खां लोदी इसके चाचा का नाम क्या है आलम खां लोदी थिक? इसके अलावा और इससे कौन नाराज है इससे नाराज है दौलत खां लोदी। दौलत खान लोदी का पुत्र दिलावर खां भी नाराज चल रहे हैं तो इन लोगों ने जब जाना कि यहाँ पे बाबर आ रहा है तो ये सब लोग किसको बुलाना चाह रहे हैं बाबर को बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि मध्य एशिया से जो भी शासक आए चाहे वो तैमूर हो अहमद शाह अब्दाली हो या अन्य शासक हो इनके बारे में ये लोग जानते हैं कि ये आक्रांता है भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे धन की लूट मार करेंगे और धन को लेकर चले जाएंगे तो ये लोग चाहते हैं कि जब बाबर आक्रमण करे तो इस दिल्ली से जितना भी धन मन करे लूट ले लेकिन चला जाए और इसको पराजित कर दे इसका खात्मा कर दे और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये राजस्थान है ठीक है और राजस्थान में एक राज्य है जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं जिसको आप मेवाड़ के नाम से जानते हैं जो मेवाड़ है इसकी जो कैपिटल है कैपिटल के बारे में आप लोग जान लीजिए इसकी कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल है चित्तौड़ और चित्तौड़ एक विशाल का है दुर्ग के रूप में भी स्थापित है यहाँ का जो शासक है मेवाड़ का उसका नाम क्या है उसका नाम है राणा सांगा राणा सांगा ये जो राणा सांगा साहब हैं ये भी किससे नाराज है ये भी इब्राहिम लोदी से नाराज है क्यों नाराज है क्योंकि ये मुस्लिम है, ये है, ये दिल्ली के अपना कब्जा करना चाहते हैं तो इसी समय इन लोगों ने और ये जो राणा सांगा साहब हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने बाबर को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आहूत किया यानी बुलाया इन लोगों ने तो आप लोगों ने ही बुलाया आक्रमण करने के लिए आओ भाई आक्रमण करो आप लोगों ने बुलाया किसी दूसरे ने थोड़ा बुलाया था विदेशियों को आप लोगों ने बुलाया समय पे चाहे प्राचीन भारत 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 हो 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 मध्यकालीन आधुनिक और जगह आप लोगों ने ही दी अब यहाँ पे चाहिए था बाबर के ऊपर पत्थर उठा उठा के फेंकते आप सभी लोग तो भाग जाते लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं कालांतर में अंग्रेज भी आए उनके ऊपर भी ऐसा काम नहीं किया वो इतिहासकार लिखते भी हैं कि जब प्लासी और बक्सर की विजय करके जब जा रहे थे तो अंग्रेज क्या थे मुठ्ठी भर थे अगर बंगाली समाज ने पत्थर उठा के फेंका होता एक एक पत्थर तो उसके नीचे दब जाते नहीं हुआ ऐसा अब ये बाबर चलता है भाई गरजते हुए अपनी सेना को सजा बजा के बाबर चलता है अब पहुंचता है कहां पे पानीपत के मैदान में पहुंचता है कहाँ पे पहुंचता है बाबू लोग पानीपत के मैदान में पहुंचता है बाबर ये पानीपत का युद्ध आपके सामने कौन सा युद्ध है ये पानीपत का पहला युद्ध आपके सामने 21 अप्रैल 1526 का समय चल रहा है किसका समय चल रहा है 21 अप्रैल 1526 का आप लोगों के बीच में टाइम चल रहा है ठीक अब इस युद्ध के बारे में आपको बताते हैं इस युद्ध के बारे में आपको बताते हैं हम ठीक यहां पे इसको पढ़िए आप सभी लोग पानीपत का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध ठीक है तो पानीपत के तीन युद्ध हुए थे इसमें प्रथम युद्ध आपके सामने है यह कब हुआ था यह 1526 को हुआ था जरा गौर से सोचिए आप सभी लोग एक तरफ कौन है एक तरफ बाबर है ठीक और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी है दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी है ठीक है और इब्राहिम लोदी का मित्र है, विक्रमाजीत है ग्वालियर के शासक हैं, ध्यान रखिएगा ये कहाँ के शासक हैं? ग्वालियर के शासक हैं तो बाबर इस पानीपत के मैदान में पहले ही परंपरागत युद्ध के मैदान में ही पहले ही पहुंच गया बाबर जैसे मान लीजिए ये पानीपत का मैदान है यहाँ पे पहले ही पहुंच जाता है इसको पानीपत आप लोग मान लीजिए इस बाबर को हटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए ठीक इस बाबर को यहाँ से हटाते हैं ये पानीपत के मैदान में पहले ही पहुंच गया यहाँ पे बाबर ने पहुंच के अपनी सेना को संगठित किया नियोजित किया मान लीजिए कि ये बाबर है तो बाबर ने अपनी सेना को आप लोग देखेंगे तो अगर हमारी तरफ से इसको देखेंगे तो ये क्या पड़ता है ये बाएं पड़ता है ठीक है और ये क्या पड़ता है? है और ये क्या पड़ता है? 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 है और ये पिछली सेना होती है इस प्रकार की सेना में बाबर ने अपनी सेना को बांट लिया और इसमें बाबर के पास में तोप भी थी बाबर के पास में एक तरीके से बंदूक भी थी तोप भी थी तो बाबर ने अपनी तोपों, तोपों को तुलगमा युद्ध नीति के द्वारा व्यवस्थित किया तुलगमा युद्ध नीति क्या होती है तुलगमा युद्ध नीति में जैसे मान लीजिए कि इसके पास कोई तोप है यहाँ पे क्या है कोई तोप है बाबर के पास यहाँ पे क्या है तोप अब इस तोप को एक तरीके से चैनिंग सिस्टम से बांधा हुआ होता है और यहाँ पे तोप के अगल बगल में ये सैनिक खड़े कर दिए जाते हैं क्या खड़े कर दिए जाते हैं ये सैनिक खड़े कर दिए जाते हैं थोड़ी सी जगह छोड़ के इन सैनिकों को क्यों खड़ा किया जाता है क्योंकि इस तोप की रक्षा करेंगे ना तोप कोई सामान्य चीज तो है नहीं बड़ी मेहनत के बाद बनती है तो तोपों को सजाने की नीति को ही क्या बोलते हैं तुल्गमा या उस्मानी पद्धति के नाम से जानते हैं और उस्मानी पद्धति का प्रयोग यहाँ पे या तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर यहाँ पे पहली बार कर रहा है और इसमें जो तोप होती है उसको सैनिकों से चारों तरफ से घेर लिया जाता है एक जगह छोड़ दी जाती है और सैनिकों से घेर दिया जाता है इसको सुरक्षित करने के लिए कि इधर से कोई गोला इधर न चला दे सजाया अपनी सेना को और यहां पे बाबर पहले ही पहुंच गया था मैंने बताया कि अपनी सेना को इस तरीके से तुलगमा युद्ध नीति के माध्यम से विभाजित कर दिया और अग्रिम सेना पे थोड़ा सा कमजोर फोर्स लगा दिया मध्यम में थोड़ा मजबूत लगा दिया और बाएं पे अपने बाहुबली सेनापतियों को लगा दिया अपने तोपचियों को लगा दिया अली कुली या अन्य तोपची भी हैं बाबर के साथ में और बाबर एक काम और करता है यहाँ पे जो पानीपत है ना यहाँ पे जब बाबर पहुंचता है तो बाबर एक खास काम करता है कि यहाँ पे सूखे सूखे मोटी मोटी लकड़ी का जो होता है उस पेड़ को यहाँ पे लगा दिया सूखे सूखे लकड़ी के पेड़ यहाँ पे बाबर ने लगा दिया चार चार पांच पांच दस दस मीटर की दूरी पर सूखे सूखे पेड़ इसको क्यों लगा दिया जैसे इधर से कोई भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर वार करेगा गोला चलाएगा तीर चलाएगा लाठी चलाएगा भाला चलाएगा तो इसमें से अधिकतर तीर भाला लाठी या गोला या ईंटा या पत्थर जो भी फेंकेंगे इस पेड़ में लग जाएंगे अधिकतर तो लगेंगे ही ना और पेड़ से टकरा के वापस चले जाएंगे पहला ये काम किया और दूसरा ये काम किया कि बाबर ने ये जो पानीपत का युद्ध का मैदान है इसके बीच में यहाँ पे देखिए ये गहरी खाई खुदवा दी क्या खुदवा दिया बाबू लोग ये गहरी खाई खुदवा दी और ये गहरी खाई में क्या कर दिया ये पानी भरवा दिया आपको दिख भी रहा होगा पानी भरा है क्या भरा है ये पानी भरा है और ये गहरी खाई है ये पानी भरा हुआ है ये क्या है ये सूखे पेड़ की बाढ़ ये सूखे पेड़ की बाढ़ यहाँ पे बाबर ने लगवा दिया है ठीक क्या लगवा दिया है सूखे पेड़ की बाड़ लगवा दिया है एक तो ये बचाव का काम कर रही है और दूसरे ये गहरी जो खाई बनवा दिया है ये भी बचाव का काम कर रही है और दूसरी तरफ ये क्या काम कर रहा है इसको लग रहा है कि ये दिल्ली का शासक है ठीक है ये आई बन चुका है ये है, आई बन चुका है लेकिन आई बनने के बाद में जिंदगी में चैलेंज बहुत है बनने के पहले तो जो भी चैलेंज है ही लेकिन बनने के बाद बहुत ज़्यादा ज़्यादा चैलेंज है अगर कुर्सी पे बैठे तो बड़ा मुश्किल है तो ये आराम से आयस बना हुआ है और बिल्कुल बैठा हुआ है कोई गम नहीं है इसको आएगा जो देखा जाएगा अब ये अपनी सेना को ट्रेंड नहीं कर रहा है आराम से इसका मामला चल रहा है जिस तरीके से बाबर ने यहाँ पे काम किया आपको क्या लग रहा है विक्रमा ये जीत जीतेंगे इब्राहिम लोधी साहब जीतेंगे या ये जीतेगा मेहनत तो ये कर रहा है ना आपने देखा किस तरीके से मेहनत किया बाबर के बारे में आप लोगों ने देखा किस तरीके से मेहनत किया तो स्वाभाविक आपको लग भी रहा होगा फील हो रहा होगा कि अरे बाबर को ही जीतना चाहिए थोड़ा सा दया भावना भी आनी चाहिए ना कि मेहनत तो कर रहा है बाबर और ये क्या कर रहा है ये बैठा हुआ है लेकिन जब सुना कि बाबर पानीपत के मैदान में आ गया तो यह भी चला अपनी सेनापति को लेके विक्रमाजीत को लेके स्वयं चलाए बस कुछ ही देर में ये बाबर का सामना कर पाएगा क्या ये बाबर का सामना कर ही नहीं पाया और युद्ध के मैदान में ही ये इब्राहिम लोधी मारा गया और इसका साथ ही अपने साथी को भी खात्मा करवा दिया ये विक्रमाजीत के ऊपर आक्रमण किया था इलाहो ये इब्राहिम लोदी ने एक ग्वालियर का शासक था और इसको पराजित कर दिया था लेकिन पराजित होने के बावजूद में भी विक्रमाजीत जैसा राजा इस इब्राहिम लोदी का मित्र बन गया था और हमेशा इतना वफादार मित्र तो कभी मतलब इतिहास कहता है मित्र बड़ा ही वफादार होता है तो इतिहास ये दिखा रहा है कि देखो ये ऐसा मित्र है विक्रमादित्य ग्वालियर का जिसे ग्वालियर के सिंधिया के बारे में प्रश्न चिन्ह उठते हैं लेकिन ग्वालियर का ये जो राजा है ये सिंधिया नहीं है विक्रमादित्य यहाँ पे एक बात और आपको देखने के मिल रही होगी कि इतना वफादार मित्र भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ग्वालियर ने वफादार मित्र भी दिया है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तो इस तरीके से कुल मिला के पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और इसका साथ ही विक्रमाजीत और इब्राहिम लोदी दोनों युद्ध के मैदान में मारे गए ये ऐसा मध्यकालीन इतिहास में पहली बार उल्लेख मिलता है कि कोई राजा और उसका वफादार मित्र सेना के द्वारा यानी दुश्मन के द्वारा युद्ध के मैदान में ही मारा गया युद्ध के मैदान में ही एक तरीके से यहाँ पे इनका खात्मा हुआ तो युद्ध के मैदान में जब इनका खात्मा हो गया तो यहाँ पे कुछ का और देखिए आप सभी लोग इसी युद्ध में तुलगमा विधि का प्रयोग बाबर ने किया था ठीक है इसी में उस्मानी और रोमी विधि का भी प्रयोग किया था बाबर का इस समय जो तोपची था इसका नाम था उस्ताद अली कुली खां बाबर का जो तोपची था उसका नाम क्या था उस्ताद अली कुली खां ये बाबर का तोपची था ध्यान रखिएगा बीजे के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और काबुल के निवासियों को चांदी का एक एक सिक्का दिया जिसका नाम था शाहरुख तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था भारत में तो बाबर ने चलाया था किस धातु का था सिल्वर का था ठीक है युद्ध के मैदान में ये मारा गया कौन इब्राहिम लोदी लोदी का सहयोगी इब्राहिम ए, लोदी इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत ये ग्वालियर के राजा थे मारा गए सत्ताईस अप्रैल को बाबर ने स्वयं अपने आप को दिल्ली में बादशाह घोषित कर लिया कब 27 अप्रैल को बाबर ने अपने आप को दिल्ली में बादशाह घोषित कर लिया नोट ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ इसका प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस कौन है आरिफ कंधारी है कौन है आरिफ कंधारी है अली कुली खान नहीं 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 ये तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये पानीपत का क्या है ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है इससे कोई मतलब नहीं ठीक ना वही थोड़ा सा समझ में आ गया ठीक हाँ पानीपत का द्वितीय युद्ध जो पंद्रह में होता है उसका आई विटनेस कौन है आरिफ कंधारी है जो अकबर और उसके बीच में होता है क्या बोलते हैं हेमू के बीच में होता है ठीक तो अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध होता है उसके प्रत्यक्ष दर्शी है ये उसके प्रत्यक्ष दर्शी है. तो इस तरीके से कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी को पराजित करके ऐसा नहीं बाबर पानीपत में ही रुका रहा और पानीपत और सोनीपत से बहुत दूरी पर दिल्ली स्थित नहीं है लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही है लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर ही है समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा दूरी पर दिल्ली नहीं स्थित है अब आगे की कहानी देखिए अब जब पानीपत की विजय कर ली तो बाबर अब इस पानीपत से चला कहां से चला इस पानीपत से चला समझिएगा बात को बहुत आपको समझा रहा हूँ और इस दिल्ली पर कब्जा कर लिया आप लोगों ने देखा कि बाबर ने 27 अप्रैल को बाबर ने 27 अप्रैल 1526 सो ईस्वी को अपने आप को क्या घोषित किया अपने आप को इस दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया क्या घोषित कर लिया दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर ही दिया था तो यहाँ पे बाबर ने जब ये निर्णय लिया कि भाई अब हम क्या करेंगे दिल्ली में बसेंगे तो एक तरीके से देखा आप लोगों ने बाबर किस तरीके से घूमता रहा ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर बाबर बहुत कुछ सीखता रहा जैसे ईरानियों से उस्मानी विधि सीखी तुलगमा युद्ध नीति सीखी ईरानियों से बाबर ने एक तरीके से तोप चलाने और बंदूक चलाने की कला विधि सीखी कई प्रकार की विधियों को सीखा और अपनी सेना को लगातार तैयार करता रहा इस तरीके से उसका प्री भी हुआ प्री के बाद में मेंस भी हुआ और फाइनल रिजल्ट भी आया देखिए दिल्ली में बादशाह हमने बना दिया आप लोगों को भी बना देंगे अगर साथ चलेंगे तो पक्का जैसे बाबर को बनाया है वैसे आप लोगों को भी बना देंगे वो दिन दूर नहीं है इसी में से एक एक लोग धीरे धीरे निकलने लगेंगे इसी में से एक एक लोग धीरे धीरे निकलने लगेंगे चिंता मत कीजिए बस मेहनत करते रहिए थोड़ा थोड़ा ठीक अब यहाँ पे जब बाबर बादशाह बन गया तो यहां पे एक राज्य है राजस्थान में और इस राज्य का क्या नाम है इस राज का नाम है मेवाड़ इस राज का नाम है मेवाड़ और मेवाड़ का शासक कौन है मेवाड़ का शासक है राणा सांगा राणा सांगा ठीक तो राणा सांगा द्रवित हुआ परेशान हुआ कैसे क्योंकि बाबर ने अब भारत में अस्थाई रूप से बसने का निर्णय लिया बाबर ने अब भारत में अस्थाई रूप से बसने का निर्णय लिया और जो बाबर आ, ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तो उसके चाचा और उसके चाचा के पुत्र दिलावर खां महमूद लोदी ये सब भी परेशान हुए तो जितने भी जो इब्राहिम लोदी के अधीनस्थ थे या जो नफरत करते थे अब ये सब भाग गए और भाग के इन लोगों ने शरण इसी मेवाड़ में ली तो बाबर के बसने की, की जब बात मेवाड़ के राणा सांगा ने सुनी तो राणा सांगा तो ये चाहते थे कि बाबर दिल्ली को इब्राहिम लोधी से छीन ले और छीन के मुझे दे दे हाँ कि थोड़ा धन वगैरह अपना लेके चला जाए लेकिन जब बसने का निर्णय लिया तो अब थोड़ा सा बाबर के बीच में और एक तरीके से राणा सांगा के बीच में युद्ध स्वाभाविक हो गया तो बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में अब एक युद्ध होता है इसे किसके नाम से जानते हैं इसे अगर आप लोग देखेंगे तो बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं तो अब बाबर के जीवन का दूसरा युद्ध हो रहा है और इसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं इसे बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा के युद्ध के नाम से आप लोग जानते हैं किसके नाम से जानते हैं खानवा के युद्ध के नाम से इसको जानते हैं बाबर का दूसरा युद्ध आपके सामने हो रहा है इसका नाम है खानवा का युद्ध ठीक है कौन सा युद्ध हो रहा है खानवा का युद्ध हो रहा है अब खानवा के युद्ध की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है वो सोलह मार्च है वो क्या है वो 16 मार्च है और 16 मार्च 1527 है 16 मार्च 1527 है ये खानवा का युद्ध है इसमें कौन कौन है जरा ध्यान से समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए इसमें एक तरफ मुगल वंश के शासक हैं किसके शासक हैं मुगल वंश का शासक है और मुगल वंश का शासक कौन है बाबर है इसी तरीके से इसको याद रखिएगा और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राणा सांगा है ये कौन है ये राणा सांगा है ठीक है और राणा सांगा आप लोग जानते ही हैं कि ये मेवाड़ के शासक हैं और मेवाड़ की राजधानी क्या है चित्तौड़ है तो इस युद्ध का कारण क्या है इस युद्ध का कारण आप लोग जानते ही हैं कि बाबर ने जब अस्थायी रूप से भारत में बसने का निर्णय लिया तो इससे राणा सांगा नाराज हो गए और दूसरी बात ये है कि राणा सांगा ने बाबर के दुश्मनों को संरक्षण दिया यानी इब्राहिम लोदी के उत्तराधिकारियों को संरक्षण दिया तो इससे भी बाबर राणा सांगा से नफरत करने लगा था और राणा सांगा बाबर से नफरत इसलिए करने का मूड बनाया क्योंकि बाबर ने भारत में अस्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया अब कहते हैं कि बाबर ने जब यहाँ पे राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो राणा सांगा तो बाहुबली शासक वो भी राजपूत राजपूत तो योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे अच्छा अकबर चलाक था अकबर कुछ और यहाँ पे मामला लाता राणा सांगा से निपटने का युद्ध नहीं करता अकबर लेकिन बाबर उतना कूटनीतिक नहीं था बाबर भी उतना था तो बाबर ने सोचा कि हथियार वगैरह उठाया जाए और राजपूत शासक को पराजित किया जाए खानवा को भी लिया जाए मेवाड़ को भी जीत लिया जाए फिर तो भारत में कोई शासक है ही नहीं यही काम किया बाबर ने लेकिन इसी बीस में किसी ने एक भविष्यवाणी कर दी कि भैया बाबर साहब तुम राणा सांगा से जीत नहीं सकते किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते एक भविष्यवाणी कर दी गई अब इस भविष्यवाणी से बाबर की सेना में कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गई बाबर की सेना जब बाबर की सेना हतोत्साहित हो गई तो बाबर तो बाहुबली सेनापति था और सेनापति में काफी गुण होने चाहिए वो अपनी सेना को संभाल ले अपनी सेना को हमेशा अपनी सेना में जोश उत्पन्न किए रखे तो बाबर की जो सेना थी ना वो भी एक तरीके से आप लोग देख रहे होंगे तो 1504 से ही लड़ते लड़ते 1505, सौ पाँच छः उन्नीस बीस पच्चीस छब्बीस ये सब इतना समय बीत गया था अपने परिवार की याद आ रही थी घर की याद आ रही थी और सेना बहुत ज्यादा थक गई थी तो सेना में एक तरीके से जो हतोत्साहित की भावना है वो बढ़ती गई इसी समय बाबर एक रात में उठा और रात में उठ के बाबर ने अपनी सेना को जगा दिया जगाने के बाद में ये बाबर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहता है कि देखो भाई हम एक कर जो आपसे तमगा नामक कर लेते हैं और मीर बहरी नामक कर लेते हैं क्योंकि बाबर की सेना में बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी थे तो व्यापारियों से ये कर लेते थे तो बाबर ने कहा कि अब आपसे तमगा और मीर बहरी नामक कर नहीं लेंगे और बाबर ने यहीं पे कसम खाई दूसरी बात कही कि अब हम शराब का पान भी नहीं करेंगे शराब की जितनी भी बोतलें थी सबको मंगवा दिया और मंगवा के तोड़ दिया अपनी सेना में उत्साह लाने के लिए बाबर ने एक काम किया क्योंकि एक ने घोषणा कर दी थी कि बाबर तुम हार जाओगे राणा सांगा से जीत नहीं पाओगे इसके अलावा यहीं पर बाबर ने जिहाद की घोषणा की कहा कि यह युद्ध तो हमारे धर्म के लिए किसके लिए है यह युद्ध तो हमारे धर्म के लिए है जिहाद का मतलब यही होता है और यहीं पर बाबर ने इस्लाम की प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसका नाम है कुरान आसमानी पुस्तक है इस पर हाथ रखकर कसम खाई कि भाई इस युद्ध को जीतना ही है और अपने सैनिकों से कसम खुलवाई इस तरीके से जो बाबर की सेना है ये पुनः एक तरीके से जोश में आ गई यही सेनापति के गुण होते हैं बाबर की सेना एक तरीके से जोश में आ गई बाबर की सेना एक तरीके से जो उसमें आ गई बस अब क्या था अब तो युद्ध का मैदान था उसी उस्मानी विधि का प्रयोग किया उसी तुलगमा युद्ध का युद्ध नीति का प्रयोग किया और उसी पानीपत के तरीके से अपनी सेना को बांटा और सामने राणा सांगा साहब थे राणा सांगा साहब को पराजित कर दिया इनके साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो जो अफगानी लोग थे महमूद लोदी ये साथ दे रहा था ये महमूद लोधी तो भाग गया राणा सांगा एक तरीके से पराजित हो गए तो खानवा यानी मेवाड़ के ऊपर भी कही न कहीं ना कहीं कब्जा हो गया क्योंकि राणा सांगा का यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया तो ये खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर आगे बढ़ता है और बाबर अब क्या करता है बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है कौन सा युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध लड़ता है तो बाबर के जीवन का तीसरा युद्ध है और बाबर के जीवन का तीसरा युद्ध है चंदेरी चंदेरी वर्तमान में भी और मध्यकाल में किसके लिए प्रसिद्ध है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है साड़ी 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 के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चंदेरी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग साड़ी के लिए चंदेरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो बैटल ऑफ चंदेरी होता है चंदेरी का युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध अगर इसकी एग्जैक्ट डेट आप लोग देखेंगे तो क्या है इसकी 29 जनवरी है एग्जैक्ट डेट उनतीस जनवरी उनतीस जनवरी क्या है उनतीस जनवरी फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ठीक है उनतीस जनवरी पंद्रह सो उन्तीस को यह युद्ध हुआ अब इस चंदेरी में कौन कौन है भाई इस चंदेरी में आप लोग जान लीजिए कि एक तरफ तो बाबर ही है और दूसरी तरफ चंदेरी का शासक है मेदिनी राय यह भी मेदिनी राय जो है यह राजपूत शासक है मेदिनी राय कैसा शासक है मेदिनी जो राय है यह भी राजपूत शासक है अब चंदेरी को आखिर जीतने का मूड क्यों बनाया बाबर ने तो चंदेरी की स्थिति आप लोग देख लीजिए ये चंदेरी है आपके सामने ठीक है ये कौन है ये मालवा के पास में ये चंदेरी स्थित है और उत्तर भारत से अगर आपको दक्षिण भारत जाना है तो इस मालवा यानी चंदेरी प्रदेश से होकर आपको जाना ही पड़ेगा और जो चंदेरी है ये किला जो है चंदेरी का किला या जो राजधानी है ये बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो इसको जीतना बाबर के लिए सामरिक रूप से बहुत जरूरी है बाबर के लिए इसको जीतना सामरिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है तो बाबर ने क्या किया इस मेदिनी राय के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और इसका खात्मा करके इस चंदेरी पर अपना कब्जा कर लिया इसके बाद में बाबर अपने जीवन में एक युद्ध और लड़ता है और इसका नाम है घाघरा का युद्ध इसका नाम है घाघरा का युद्ध बैटल ऑफ घाघरा ठीक है घाघरा का युद्ध अब ये जो घाघरा का युद्ध है एक तरफ इसमें कौन रहता है एक तरफ इसमें बाबर रहता है और दूसरी तरफ वही अफगानी भगोड़ा महमूद लोदी है कौन है दूसरी तरफ ये महमूद लोदी है घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध आपके साथ में बाबर का अंतिम युद्ध है ये पांच मई पंद्रह को हो रहा है यह युद्ध कब हो रहा है यह युद्ध पांच मई पंद्रह को यह युद्ध हो रहा है ठीक है पांच मई पंद्रह को यह युद्ध हो रहा है इस पे लिखना चाहिए था 28। इस पे लिखना चाहिए था क्या 28 1528 को यह हुआ ठीक है क्रम से ही युद्ध होते हैं एक 1526 को होता है दूसरा 1527 ये आपका जो चंदेरी का युद्ध हुआ ये 1528 को हुआ और ये पंद्रह को हुआ ठीक है ये घाघरा का युद्ध है इसमें महमूद लोधी पराजित हो गया लेकिन पराजित हो गया इसका खात्मा नहीं हुआ यह बंगाल की तरफ भाग गया पे भाग गया बंगाल की तरफ भाग गया तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बाबर का जो जीवन था वो युद्धात्मक था बाबर का जो इतिहास है वो युद्धात्मक है अपनी जिंदगी में बाबर ने क्या किया कि बाबर का जो कार्यकाल है वो 1526 से भारत में स्टार्ट होता है और 1530 में समाप्त होता है और चार वर्षों तक इसने युद्ध ही किया लगातार इसने चार वर्षों तक लगातार युद्ध ही किया बाबर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम कहाँ करता है टाइम ही नहीं मिलता युद्धों का इतिहास है बाबर का तो ये बाबर का एक तरीके से युद्धात्मक इतिहास है चार युद्ध लड़ा और बाबर ने देखो कि पहले ये हार जाता था लेकिन अब कहीं हार नहीं रहा है तो वही बात है एक बार पीटी आप लोगों का भी निकलने लगा तो हमारे जैसे फिर कभी आपका भी नहीं रुकेगा पीटी कभी नहीं रुका मेंस तो कम ही देने को मिला ऐसा नहीं है कि जितनी बार पीटी हुआ उतनी बार मेंस भी हुआ लेकिन मेंस भी कई लिखा हमने तो सोच लीजिए ये देखिए सब लगातार रिजल्ट आते रहे ठीक लगातार रिजल्ट आते रहे बाबर के अब बाबर और क्यों प्रसिद्ध है कि जो बाबर है बाबर एक तरीके से इसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से स्टार्ट होके 1530 में समाप्त हो जाता है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो बाबर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाबर भारत में क्यों प्रसिद्ध है तो एक बात तो सामान्य सी ये है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसकी स्थापना की मुगल साम्राज्य की स्थापना की मुगल साम्राज्य की स्थापना की इसलिए बारा बाबर भारत में प्रसिद्ध है और दूसरी खास बात ये है कि बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और इसका नाम था बाबर नामा बाबरनामा को ही आप लोग तुजक ए बाबरी के नाम से जानते हैं तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं ठीक है बाबर नामा को ही तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं बाबरनामा आपके सामने है बाबर नामा को बाबर ने लिखा था क्यों लिखा था क्योंकि बाबर एक तरीके से शासक होने के साथ साथ में बहुत बड़ा साहित्यकार था और पूरे विश्व में बाबर साहित्यकार के नाते ही प्रसिद्ध था किसके नाते प्रसिद्ध था साहित्यकार के नाते ही प्रसिद्ध था ये जो बाबरनामा है इसकी जो मूल भाषा है क्या है इसकी जो मूल भाषा है वो क्या है वो तुर्की है बाबर ने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था किस भाषा में लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था कालांतर में आप लोग देखेंगे तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद पायंद खा ने किया था किसने किया था फारसी भाषा में पहला अनुवाद पायंद खा ने किया था हुमायूं के समय में इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो अब्दुल रहीम खान खाना ने अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान का पुत्र था ठीक है खान खाना और बहुत बड़ा साहित्यकार था इसने अकबर के समय में अनुवाद किया था फारसी भाषा में किसका इसी बाबर नामक का दूसरी बात यह है कि तुर्की नामक मूल भाषा से इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था मैडम बैबरीज ने किया था मैडम बैबरीज ने किया था ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अब आखिर बाबरनामा में भारत के बारे में कैसा विवरण मिलता है बाबरनामा में भारत के बारे में कैसा विवरण मिलता है तो बाबरनामा में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है और राजनीतिक इतिहास है इसका व्यापक रूप से विवरण मिलता है भा, बाबर भारत की जलवायुविक स्थिति भौगोलिक स्थिति व अन्य प्रकार बरसात अन्य प्रकार की स्थितियों का इसमें व्यापक रूप से विवरण दिया इसी कारण तो ये बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण कम साहित्यकार प्रसिद्ध ज्यादा होता है फेमस बहुत होता है तो बाबरनामा के कारण फेमस ज्यादा है बाबर बाबरनामा के कारण जो बाबर है वो प्रसिद्ध ज्यादा है अब आखिर बाबरनामा में ऐसी बात क्या है इसको जरा देखिए आप सभी लोग इसको जरा देखिए कि बाबरनामा में और क्या क्या खास खास बात है बाबरनामा में और क्या क्या खास खास बात है तो so, बाबरनामा में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण मिलता है भौगोलिक तो विस्तार का विवरण मिलता है या स्थिति का विवरण मिलता है बाबर कहता है कि भारत का कुछ ऐसा प्रदेश है जो काफी समतल है भारत का कुछ ऐसा प्रदेश है जो उभड़ खाबड़ है समतल नहीं है बाबर ये भी कहता है कि जो भारत की नदियां हैं खास करके उत्तर भारत की नदियां वो गहरी नहीं है वो छिछली हैं तो जब बरसात का समय आता है तो भारत की नदियां भारत के लिए घातक बन जाती हैं जो एक समय भारत के लिए प्राण वायु के समान है वही नदियां बाबर कहता है कि भारत के लिए घातक बन जाती हैं खास करके बिहार में बहने वाली नदियां और बिहार के बारे में व्यापक रूप से ये बाबर अपनी इस बाबरनामा में उल्लेख करता है कि वही नदियां जो बिहार के लिए एक तरीके से प्राण के रूप में है वो एक समय ऐसा आता है बारिश का समय जब वर्षा ऋतु आती है तो वो घातक बन जाती है बाबर ने अपने इस बाबरनामा में आप लोग देखेंगे तो छह ऋतुओं का वर्णन किया है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आने वाली है ग्रीष्म चल रही है वर्षा उसके बाद में शरद ऋतु आ जाती है उसके बाद में कौन सी ऋतु आ जाती है हेमंत ऋतु आ जाती है उसके बाद में कौन सी ऋतु आ जाती है शिशिर ऋतु आ जाती है उसके बाद में कौन सी ऋतु आ जाती है बसंत नामक रितु आ जाती है तो इन छह ऋतुओं का वर्णन बाबर ने एक तरीके से अपनी बाबर नामा नामक पुस्तक में किया है ग्रीसम बरसा शरद हेमंतु याद कर लीजिए आप सभी लोग शिशिर के बाद आवे बसंतु याद कीजिए जरा याद कीजिए याद कीजिए हो गया याद ठीक याद हो गई आप लोगों को हम्म हम्म देखिए ग्रीसम वर्षा शरद हेमंतु शिशिर के बाद में आवे बसंतु यानी बसंत हम्म किंजा नहीं याद हुआ तुम्हें बाबू क्यों नहीं याद हुआ मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना लिखा पंडित जी हुँ? अच्छा अच्छा वो हाँ आप लोगों का क्या चल रहा होगा आप लोगों का चैट में बैटल चल रहा होगा युद्ध युद्ध पढ़ते पढ़ते युद्ध करने की भावना आ गई क्या युद्ध करते करते आशीष युद्ध की भावना आ गई क्या हम्म अच्छा है कम से कम कुछ नहीं योद्धा तो बन जाएंगे क्यों नेहा और वही चैट वाले ही योद्धा बनेंगे आप लोग सही बात है युद्धात्मक इतिहास पढ़ें और तब भी योद्धा की भावना ना आए। है ना क्यों इसके अलावा बाबर ने और क्या कहा इसमें बाबर ने भारत के राजनीतिक जीवन के रूप में व्यापक रूप से वर्णन किया है भारत के राजनीतिक जीवन के रूप में व्यापक रूप से विवरण किया यहां पे थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए दो मिनट का समय दीजिए मुझे इसके बारे में राजनीतिक जीवन के रूप में वर्णन किया बाबर है, कि में है? है बाबर कहता है कि भारत में इस समय कितने राज्य हैं सात राज्य हैं बाबर कहता है कि भारत में इस समय कितने राज्य हैं बाबू लोग इसमें सात राज्य हैं ध्यान रखिएगा ये जो दिल्ली है नंबर एक का पहला राज्य आपके सामने कौन है दिल्ली है ठीक है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग एक राज्य यहाँ पे बंगाल है कौन सा राज्य है एक राज्य यहाँ पे बंगाल है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कर्नाटक में एक मुस्लिमों का राज्य है इसका नाम है बहमनी ठीक इसके अलावा ये दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन है इसके अलावा यहाँ मालवा भी है कौन है एक राज्य और है इसका नाम क्या है मालवा यहाँ पे एक राज्य आपको मिलेगा इसका नाम है मेवाड़ इसका नाम है मेवाड़ यहां पे कर्नाटक में एक राज्य और आपको मिलेगा इसका नाम है विजयनगर यहाँ पे एक राज्य आपको मिलेगा इसका नाम है विजयनगर यहां पे एक राज्य और आपको मिलेगा ये मुस्लिम राज्य है और इसका नाम है गुजरात एक दो तीन चार पांच छ सात सात राज्य हो गए इन सातों राज्यों का विवरण बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में देता है इसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो पांच मुस्लिम राज्य हैं पांच मुस्लिम राज्य हैं और दो हिंदू राज्य हैं तो मुस्लिम राज्यों में से ये गुजरात है और मुस्लिम राज्यों में से ये बहमनी है ये बंगाल भी मुस्लिम राज्य है ये दिल्ली भी है और ये मालवा भी है तो इसमें हिंदू राज्य हैं नंबर एक विजयनगर और नंबर दो मेवाड़ और बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में कहता है कि ये जो विजयनगर है कौन सा नगर है ये जो विजयनगर है विजयनगर में इस समय आप लोग देखोगे तो किसका शासन है ये कहता है कि ये तुलु वंश का शासन है और तुलु वंश का एक शासक है जिसका नाम है केडी केडी का मतलब क्या हुआ नंदिनी कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय ठीक है कृष्णदेव राय इसका टाइम पीरियड क्या है बाबू लोग इसका टाइम पीरियड फिफ्टीन हंड्रेड से शुरू होता है और फिफ्टीन में समाप्त हो जाता है बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में कहता है कि जो सात राज्य हैं इन सात राज्यों में से जो विजयनगर राज्य है वो सबसे शक्तिशाली है क्यों क्योंकि इस कृष्णदेव राय नामक राजा के कारण सबसे शक्तिशाली है तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली राजा है बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में कहता है कि ये केडी है कौन है कृष्णदेव राय है इसका टाइम पीरियड क्या है पंद्रह से पंद्रह तो इतने इतने विस्तृत विवरण दिए हुए हैं बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इतना विस्तृत विवरण दिया हुआ है बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में ठीक तो ये तो बाबर की जो पुस्तक थी बाबर नामा का मामला हो गया ये जो बाबर की पुस्तक थी बाबरनामा का मामला हो गया ठीक बाबर नामा का मामला हो गया आगे थोड़ा बढ़ते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं ठीक है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबर ठीक बाबर के बारे में थोड़ा सा और जानिए चित्रकला और अस्थापत्य कला चित्रकला और अस्थापत्य कला ठीक है तो बाबर चित्रकला के क्षेत्र में तो बहुत काम नहीं कर चुका क्योंकि बाबर आप लोग देखेंगे तो एक शासक भी था लेकिन शासन व्यवस्था को भी सुदृढ़ नहीं कर पाया क्योंकि इसका जीवन कैसा है युद्धात्मक जीवन है बाबर एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी है क्या है बाबर एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी है तो साहित्यकार और शासक होने के साथ साथ में बाबर के बारे में कहा जाता है कि ये चित्रकला प्रेमी भी है ये क्या है ये चित्रकला प्रेमी भी है चित्रकला प्रेमी प्रेमी का मतलब समझते हैं नहीं समझते हैं आप लोग तो ये बाबर चित्रकला प्रेमी है और ये विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं में विश्वास करता है प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब जैसे वन है जैसे उपवन है क्या है वन है उपवन है झील है झील है और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो कुएं हैं इसमें विश्वास करता है नदियों में विश्वास करता है तालाब में विश्वास करता है प्राकृतिक जीवन में क्या करता है विश्वास करता है तो बाबर ने थोड़ा बहुत जो निर्माण संबंधी कार्य किए चित्रकला संबंधी काम किए उसमें प्राकृतिक चित्र मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में बाबर ने थोड़ा सा काम किया था और बाबर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि बाबर का एक सेनापति था और बाबर के सेनापति ने एक तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसका निर्माण करवाया था बाबर के सेनापति मीर ए बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था ठीक है इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मस्जिदों का बाबर ने निर्माण करवाया लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में बाबर की आप लोग देखेंगे तो फिफ्टीन में बाबर की मृत्यु हो जाती है जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के इस समय चार पुत्र होते हैं जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के चार पुत्र जिंदा रहते हैं तो ये बाबर चित्रकला और अस्थापत्य कला प्रेमी भी था इस तरीके से बाबर की जीवन लीला आप लोगों के बीच में समाप्त हुई तो जिंदगी कोई पहाड़ा नहीं है बार बार मैं कहता हूं जो आया है उसको जाना है तो आए हो तो कुछ करना बहुत जरूरी है ये बार बार नहीं मिलती कि इसे दोहराने का मौका मिलेगा तो बाबर के पुत्र बाबर के पुत्र ठीक है बाबर के पुत्रों का नाम बताइए आप सभी लोग बहुत चैट कर लिए अभी तक बाबर के चार पुत्र हैं और इसमें बाबर का जो एक पुत्र है उसका नाम है हुमायूं और बाबर का एक पुत्र है इसका नाम है कामरान और बाबर का एक पुत्र है इसका नाम है हिंदाल बाबर का एक और पुत्र है इसका नाम क्या है अस्करी इसका नाम क्या है अस्करी ये बाबर के चार पुत्र हैं ये क्या है ये बाबर के चार पुत्र हैं थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए थोड़ा सा प्यार से आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए कितने पुत्र हैं राहुल हम्म अच्छा आपको लगा रंजीश आप भी पंडित जी आज क्या हो गया आपको रंजीश पंडित जी कह रहे मुझे लगा अकबर के पुत्र पूछ रहे कैसे आपको लगा थोड़ा जल ग्रहण कीजिए जल्दी से आप थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिए जल्दी से हाँ बताइए जल ग्रहण कीजिए दीपा शुक्ला छाया शुक्ला छाया शुक्ला सेशन को लाइक भी कर लीजिए भाई जितने लोग लाइव हैं सभी ने लाइक कर लिया है क्या या पसंद नहीं आ रहा पसंद ना आ रहा हो तो बता दीजिए यहीं पे बंद कर दिया जाएगा <coughs> क्यों हाँ उसमें चूरा भी मिला दीजिए दीजिए क्या नाम है रोहित दही में चूरा भी मिला दीजिए थोड़ा शुगर भी मिला दीजिए और आप लोग मत खाइएगा मेरे लिए भेज दीजिए आप लोग मत खाइएगा हाँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग तो बैठे हुए हैं आराम से तो जो मेहनत करता है खाने को उससे मिलता है जो मेहनत करता है खाने को उससे मिलता है, है कि नहीं क्यों रोहित हुँ? है ना हाँ आप लोग खाने का काम मत कीजिए ठीक अच्छा मैं किस सिटी से हूँ दिल्ली में हूँ बाबू वर्तमान में मुखर्जी नगर में वैसे लखनऊ के पास का हूँ सुल्तानपुर एक ज़िला है ठीक थोड़ा आगे बढ़िए तो क्या है बाबर के चार पुत्र हैं आपके सामने बाबर के चार पुत्र आपके सामने हैं जरा ध्यान से देखिए बाबर के चार पुत्र हैं आपके सामने और बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व क्या रखी थी एक वसीयत छोड़ रखी थी क्या छोड़ रखी थी एक वसीयत छोड़ रखी थी बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत छोड़ रखी थी क्या छोड़ रखी थी एक वसीयत छोड़ रखी थी ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा इसमें इधर से देखिए आप सभी लोग इसमें अस्करी को बाबर ने एक क्षेत्र दिया हुआ था और ये राजस्थान का अलवर क्षेत्र है ये किसको मिला था ये अस्करी को मिला था राजस्थान का सॉरी उत्तर प्रदेश का संभल मिला था अलवर ने संभल का क्षेत्र मिला हुआ था ठीक है उत्तर प्रदेश में एक जिला है आज भी है संभल ठीक और इसको हिंदाल को मिला था अलवर हिंदाल को अलवर का क्षेत्र इसमें मिला था और कामरान को क्या मिला था कामरान को काबुल मिला था और काबुल के अलावा कांधार मिला था और इसको कौन सा प्रदेश मिला था इसको दिल्ली का प्रदेश मिला था इस वसीयत के अनुसार ठीक इसको याद रखिए आप सभी लोग अब बाबर ने एक वसीयत छोड़ दी थी और इस वसीयत में अपने जो चार पुत्र थे इन चारों पुत्रों के बीच में अपने साम्राज्य का विभाजन किया था अपने साम्राज्य का क्या किया था विभाजन किया था बाबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन इन चार पुत्रों के बीच में किया था अब ये वसीयत किसके हाथ में लग गई हुमायूं के हाथ में लग गई तो हुमायूं ने पहली गलती कर दी जिंदगी में शासक बन रहा है पहली, पहली, पहली चारों भाइयों में इसी तरीके से कर दिया सेम इसी तरीके से कर दिया यह स्वयं दिल्ली का शासक बन गया कामरान को काबुल कंधार दे दिया हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया और अस्करी को क्या दे दिया अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया कहते हैं कि अगर कोई बाहुबली प्रकार का शासक होता तो अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं करता जब साम्राज्य का बंटवारा होता है तो साम्राज्य कमजोर होता है जब साम्राज्य का बंटवारा होता है तो साम्राज्य क्या होता है साम्राज्य कमजोर होता है तो पहली भूल हुमायूं ने कर दी यहीं पे तो आगे थोड़ा सा बढ़िए अब हुमायूं की हेडिंग लिखिए ठीक ये बाबर के चारों पुत्र हैं और इसमें बड़ा पुत्र आपका हुमायूं है मतलब आपका मतलब बाबर का पुत्र है। तो आपके सामने अब मुगल काल का दूसरा शासक आ गया कंप्लीटली और इसका नाम क्या है इसका नाम है हुमायूं इसका नाम है हुमायूं। इसका दो टाइम पीरियड है भारत में इसका टाइम पीरियड 1530 से स्टार्ट होके 1540 में समाप्त हो जाता है एक तो ये है और दूसरा क्या है दूसरा 1555 में शुरू होके 1556 में समाप्त हो जाता है इसका दो टाइम पीरियड है दो समय काल है किसका हुमायूं का हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान ठीक हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अब हुमायूं जब शासक बना तो पहला काम तो गलत ही कर दिया पहला काम तो गलत अपने साम्राज्य को विभाजित करके ही कर दिया अपने पिता बाबर की वसीयत के अनुसार लेकिन शासक बनते ही अगर आप लोग देखेंगे तो पंद्रह में तुरंत एक अभियान पे जाता है पंद्रह में एक अभियान पे निकलता है और पंद्रह में एक युद्ध होता है इसका नाम है कालिंजर का युद्ध क्या नाम है कालिंजर का युद्ध तो बैटल ऑफ कालिंजर होता है कालिंजर का युद्ध तो बाबर की तरीके से हुमायूं का भी जो जीवन है वो युद्धात्मक ही है तो कालिंजर का युद्ध पंद्रह में होता है ठीक इसमें एक तरफ कहीं ना कहीं यह हुमायूं है, एक तरफ यह हुमायूं है और दूसरी तरफ कालिंजर का शासक कौन है कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव है कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव है इसने क्या किया था लोदियों को संरक्षण दिया था लोदियों को संरक्षण दिया था और जो कालिंजर का दुर्ग है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और एक अभेद्य दुर्ग है मतलब इसको कोई भेद ही नहीं सकता इसलिए क्या किया इस हुमायूं ने इस प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण किया हालांकि इसको पराजित कर दिया और कालिंजर के किले को जीत लिया तो पहला अभियान हुमायूं का कैसा रहा पहला अभियान कहीं ना कहीं सफल रहा पहला अभियान हुमायूं का क्या रहा सफल रहा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग पहला अभियान हुमायूं का सफल रहा पहला अभियान जब सफल रहा तो हुमायूं थोड़ा आगे बढ़ता है और हुमायूं एक और युद्ध करता है हुमायूं एक और युद्ध करता है अब दूसरा युद्ध लिखिए हुमायूं का दूसरा युद्ध दोहरिया दोहरिया का युद्ध दोहरिया का युद्ध ये जो दौहरिया का युद्ध है यह कब हुआ यह 1532 में हुआ 1532 में हुआ, 1532 में हुआ. दोहरिया कहाँ पे स्थित है दोहरिया गोमती नदी के तट पर स्थित है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी गोमती नदी है लखनऊ में भी गोमती नदी है गोमती नदी के तट पर स्थित है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग दोहरिया का युद्ध दोहरिया का युद्ध एक तरफ इसमें कौन है एक तरफ मुख्यतः आप लोग देखेंगे तो हुमायूं है जो एक तरीके से मुगल शासक है एक तरफ कौन है एक तरफ हुमायूं है जो एक तरीके से मुगल शासक है और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ वही भगोड़ा महमूद लोदी है दूसरी तरफ कौन है भगोड़ा महमूद लोदी है महमूद लोदी अभी भी पराजित हो जाता है लेकिन ये बंगाल की तरफ पुनः भाग जाता है पराजित होकर भाग जाता है हाँ भाई जब शासक अगर मजबूत है तो क्या करेंगे या तो सामना करें या तो भाग जाए तो ये क्या करता था ये भाग जाता था तो ये महमूद लोदी पराजित हो गया लेकिन भाग गया दोहरिया के युद्ध में विजय किसको मिली दोहरिया के युद्ध में हुमायूं को विजय मिली इसके बाद में हुमायूं पंद्रह में गुजरात की विजय करता है गुजरात के ऊपर आक्रमण करके गुजरात को भी जीत लेता है उसके बाद में क्या होता है कि गुजरात की विजय के बाद में पंद्रह सो ईस्वी में हुमायूं कहाँ निकल जाता है इसको देखिए आप इसी को समझ लीजिए समझिए कि आप लोग हुमायूं को समझ लेंगे जो आगे वाला पार्ट आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही कंसेप्सुअल है बहुत महत्वपूर्ण है थोड़ा सा जलपान वगैरह कर लीजिएगा और कंसेस हो जाइएगा ठीक है लोग हुमायूं ठीक तो हुमायूं का अगला अभियान आप लोग देखिए अगला और एक तरीके से प्रमुख अभियान आप लोग देखिए मायूँ हमायूं का बंगाल अभियान हुमायूं का बंगाल अभियान ठीक है हमायूं का बंगाल अभियान हमायूं का बंगाल अभियान 1538 में ठीक <coughs> तो यहां थोड़ा इसको समझते रहिएगा आप कायदे से नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमायूं का बंगाल अभियान ये बंगाल अभियान पे गया हुमायूं ठीक है और बंगाल में अगर आप लोग देखेंगे तो जो बंगाल का शासक है इस बंगाल के शासक महमूद शाह की बात आती है किसकी बात आती है महमूद शाह की बात आती है बंगाल का शासक महमूद शाह की बात आती है हुमायूं ने बंगाल के ऊपर अपने दल या अपनी शाही सेना के साथ में क्या कर दिया आक्रमण कर दिया जब इस महमूद शाह को लगा कि हुमायूं बंगाल की विजय के लिए स्वयं आ रहा है तो इस महमूद शाह ने अपना क्या किया एक दूध भेज के एक तरीके से इस हुमायूं के सामने समर्पण कर दिया यानी बंगाल की विजय कर ली तो ये जो इस समय बंगाल था इस बंगाल प्रदेश को इस समय गौड़ के रूप में जाना जाता था और गौड़ ही इस समय बंगाल की क्या थी बंगाल की राजधानी थी ये गौड़ ही इस समय बंगाल की क्या थी कैपिटल थी ध्यान रखना आप सभी लोग अब इस गौड़ का नाम इस समय क्या किया इस हुमायूं ने बदल दिया और गौड़ क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगा इसको क्या लगा हुमायूं को गौड़ प्रदेश बहुत अच्छा लगा इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जन्नताबाद इसका नाम रख दिया और जन्नताबाद इसका नाम रख के यहीं पर रहने लगा थोड़ा सा अब विजय किया है तो फिल्म वगैरह देखेगा ठीक है ना पीबीआर वगैरह जाएगा कुछ शॉपिंग वगैरह करेगा होटल वगैरह, रेस्टो वगैरह जाएगा वहां पे पनीर वनीर खाएगा इसमें हुमायूं को करीब करीब साठ डेढ़ साल बीत गया और यहाँ दिल्ली खाली पड़ी हुई है और इसी समय एक कंडीशन यहाँ पे घटित हो रही है ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं बिहार का प्रदेश आप लोग समझिए और बिहार में यहां पे एक शासक इस समय अपने आप को लगातार मजबूत कर रहा है कि इसको मजबूती का समय भी दे रहा है इसको मजबूती का समय भी हुमायूं दे रहा है अगर यहाँ पे ये पनीर वगैरह उतना ज्यादा पार्टी साटी नहीं करता तो शायद ये उतना मजबूत नहीं हो पाता और ये बाबर के सेनापति के रूप में घाघरा के युद्ध में काम कर चुका है शेर शाह बाबर के सेनापति के रूप में घाघरा के युद्ध में काम कर चुका है और घाघरा के युद्ध में जब शेर शाह शामिल हुआ था तो बाबर ने इस हुमायूं को होशियार का किया था इससे होशियार रहना ये बड़ा चालाक सेनापति है हुमायूं को होशियार किया था हुमायूं के पिता बाबर ने किससे सिरसा से कि इससे होशियार रहना लेकिन नहीं हुआ होशियार होशियार नहीं हुआ जब होशियार नहीं हुआ तो यहां की विजय करके बाबर पंद्रह में वापस चला बाबर जब पंद्रह में वापस चला तो बाबर अपनी जिंदगी में दूसरी सबसे बड़ी भूल कर रहा है यह उसी जीटी रोड से चल रहा है जो बंगाल के सोनार गांव से आरंभ होकर यह पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है यही है जीटी रोड और इसी जीटी रोड से यह बाबर चल रहा है ठीक है ये बाबर नहीं ये हुमायूं चल रहा है सॉरी कौन चल रहा है इसी जीटी रोड से ये वापस आ रहा है और इस पर अधिकार बना के बैठा हुआ है रास्ते में कौन सिर तो जिंदगी में इतिहास बताता है यहाँ पे देखो जिंदगी में इतिहास बताता है कि अगर आप शक्तिशाली भी हैं तब भी हमेशा एक रास्ते से आपको निकलना नहीं चाहिए साइकिल लेके मोटरसाइकिल लेके सुबह किसी और रास्ते से जा रहे हैं तो शाम को किसी और रास्ते से आइए शाम को किसी और रास्ते से आइए ठीक ना ये कौन सिखाता है ये इतिहास सिखाता है ऐसा करना चाहिए तो उसी रास्ते पे ये आ रहा है जिस रास्ते से यहाँ पे सिर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है और सिर का सपोर्ट कर रहा है इसका पुत्र कुतुब खां कौन सपोर्ट कर रहा है शेर शाह का पुत्र कुतुब खां यह भी इसके सेनापति के रूप में गलती कर बैठा हुमायूं पुनः अब यहाँ पे पहुंचा ये यहाँ पे एक तरीके से बिहार के पास में पहुंचा कौन ये हुमायूं हुमायूं चल पड़ा और बंगाल से ये बिहार के पास में पहुंच चुका है तो शेर शाह ने एक चालाकी की शेर शाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को इस हुमायूं के पास भेज दिया और कहा कि देखो हमारे पिताजी यहाँ रास्ते में बैठे हुए हैं ये बता दो और सैनिकों को लेके बैठे हुए आपके ऊपर आक्रमण करेंगे आप चाहो तो हमारे पिता से समझौता कर लो और शेरशाह ने कहा था कि जब समझौता करने के लिए हुमायूं आएगा तो इसको शर्तों में उलझाए रखना बहुत कूटनीतिक आदमी है शेरशाह शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज भी हैं क्यों उलझाए रखना क्योंकि शेरशाह चाहता है कि वर्षा ऋतु आ जाए और ये जो हुमायूं उधर से चला तो यहाँ बिहार की सीमा पे लगभग लगभग पहुंच चुका है मार्च में पहुंच चुका है और वर्षा ऋतु आती है जून में तो क्यों ऐसा काम कर रहा है क्योंकि ये चाहता है हुमायूं की यहाँ पे एक नदी है इस नदी का नाम है कर्मनाशा इस नदी का क्या नाम है लोग इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी और यहाँ पे एक नदी आपको मिलेगी इसका नाम है गंगा जी गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है कोई है बहादुर जो बता दे गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है है कोई बहादुर गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में पांच बार मिलता है या दो बार मिलता है या एक बार मिलता है या तीन बार मिलता है कितनी बार उल्लेख मिलता है चलिए विकल्प दे दिया आप लोगों को बताइए कुछ तो बताइए कम से कम आप लोग हम्म थोड़ा बहुत कुछ तो बताइए ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है गंगा नदी का जल्दी से बताइए बहादुर लोगों जल्दी से बताइए तो देखूं तो कौन बता रहा है आज क्यू टी आप भी हो उत्तर बताओ बाबू अनुज तुम्हारा गलत हुआ तीन बार नहीं मिलता रोहित तुम्हारा भी गलत हुआ बादल शर्मा आपका भी गलत हुआ मतलब तीन बार जिसने भी बताया सबका गलत हुआ जिसने भी तीन बार बताया है सबका गलत हुआ कितनी बार उल्लेख मिलता है यू एन टी चेंज कर दिया इस बार हाँ देख लिया मैंने राहुल भी सही बता रहे हैं बहुत देर से सही बता रहे हैं सूरज भी सही बता रहे हैं पंडित रंजेश भी सही बता रहे हैं सही तो ये बताते ही हैं खैर सी यू यादव भी सही से बता रहे हैं क्यों डिलीट कर दिया सीयू सही तो बता रहे थे बाबू तुम और किंजा भी सही बता रहे हैं शब्बास और कौन है राखी भी सही बता रहे हैं अनिल पांच बार उल्लेख मिलता है ओके एक बार उल्लेख मिलता है कितनी बार उल्लेख मिलता है गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है तो ये शेरशाह जो है ये गंगा नदी के इधर स्थित है और हुमायूं एक कर्मनाशा नदी के इधर स्थित है अब कुतुब खां इसको शेरशाह इसको हुमायूं को उलझाए रख रहा है संद्य की वार्ता में कि वर्षा ऋतु आ जाए आ जाए वर्षा ऋतु आ गई तो सिर शाह के पुत्र कुतुब खां ने कहा कि लगता है जो शर्त आप बता रहे हैं हमारे पिताजी मानेंगे नहीं इसको तो आइए फिर मैदान में युद्ध होगा तो यहीं पर एक स्थान है इस स्थान का नाम है चौसा क्या नाम है इस स्थान का नाम है चौसा चौसा आम नहीं है चौसा स्थान है ठीक है कौन सा युद्ध होने जा रहा है अब चौसा का युद्ध होने जा रहा है ठीक है और चौसा का युद्ध 1539 में होने जा रहा है पंद्रह में चौसा का युद्ध होने जा रहा है कौन सा युद्ध है बैटल आप चौसा एक तरफ कौन है ये आपका हुमायूं दूसरी तरफ आपका सिरसा दोनों आपके ही है। अब यहां पे देखो गलती क्या कर बैठ रहा है ये हुमायूं इस कर्मनासा नदी को पार कर रहा है और हुमायूं का समय भी इसका साथ नहीं दे रहा है किस्मत भी इसके साथ नहीं दे रही है तो जब कर्म करता है तो व्यक्ति किस्मत भी साथ देने लगती है हाथों की लकीरें भी बदलती हुमायूं ने इस नदी को पार किया और इसकी सेना इधर आ गई ठीक अब कर्मनासा नदी को अगर पार कर दिया है तो यह भी नदी है और इधर से गंगा नदी है गंगा नदी का पानी आ रहा है कर्मनासा नदी का पानी आ रहा है अब इस बीच में दोनों नदियों के बीच में आ गया हुमायूं और यही चाहता है शेरशाह और इसी समय बिहार में बारिश भी हो गई बारिश हो गई तो दोनों नदियों में बाढ़ आ गई और जम के बाढ़ आ गई और इसी समय सिरसा की सेना ने अटैक कर दिया किसके ऊपर हुमायूं के ऊपर हुमायू भागम भाग की स्थिति मच गई हुमायूं की सेना में इस समय एक कंडीशन ऐसी बनी कि जो हुमायूं है ये हुमायूं भी डूबने लगा था इस कर्मनाशा नदी में हुमायूं भी डूबने लगा था लेकिन इसी समय एक भिस्ती था भिस्ती जो तैराक होते हैं और इस भिस्ती का नाम था निजाम इस निजाम ने हुमायूं को देख लिया ये हुमायूं को पहचानता था और हुमायूं को तैर के इसने क्या कर दिया बचा दिया हुमायूं किसी तरीके से भागता हुआ यहां पहुंचा दिल्ली पहुंचा निजाम को हुमायूं ने बुलाया और निजाम को बुला के हुमायूं ने क्या किया एक दिन का सम्राट बनाया था दिल्ली का क्या बनाया था एक दिन का बादशाह बनाया था इस निजाम को बदले में यह बात दी थी अब एक तरीके से चौसा के युद्ध में विजय किसको मिल गई चौसा के युद्ध में विजय मिल गई इस सिरसाह को हुमायूं पराजित हो गया लेकिन पराजित होकर दिल्ली पहुंच गया आगे देखिए एक युद्ध और होता है और हुमायूं की जिंदगी को अभी बदलने वाला युद्ध जिंदगी को नकारात्मक रूप से बदलने वाला युद्ध होने जा रहा है उस युद्ध का क्या नाम है हुँ? अब एक युद्ध हो रहा है इसको बोलते हैं क्या बेलग्राम का युद्ध बेलग्राम कहां पे स्थित है कन्नौज में स्थित है इसीलिए इसे बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे कन्नौज का युद्ध बोलेंगे ठीक है यह युद्ध कब हो रहा है बाबू लोग फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी में हो रहा है पंद्रह सो चालीस में यह युद्ध हो रहा है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एक तरफ कौन है एक तरफ हुमायूं है एक तरफ कौन है एक तरफ हुमायूं है और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ ये है दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ शेरसा है अब जरा कंडीशन देखिए जरा कंडीशन देखिए चौसा का युद्ध ये शेर शाह जीत चुका है चौसा यहाँ पे स्थित है ठीक है और ये हुमायूं पहुंच चुका है कहाँ पे ये दिल्ली आपकी स्थित है ये दिल्ली पहुंच चुका है शेरशाह कहाँ पे है चौसा में अब शेर शाह चौसा से आगे बढ़ता है और दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहता है और हुमायूं दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार तो जमाया ही है तो ये शेर शाह चौसा से सीधे वाराणसी पहुंचता है और वाराणसी से होते हुए एक कानपुर पहुंचता है कहाँ पे पहुंचता है कानपुर पहुंचता है अब कानपुर से दिल्ली आने का दो रास्ता है एक आगरा की तरफ से आ सकते हैं और एक आगरा की तरफ से आ सकते हैं और एक इधर मैनपुरी कन्नौज होते हुए दिल्ली आ सकते हैं तो शेर शाह ने अपनी सेना को यहीं पर दो भागों में विभाजित कर दिया शेर शाह ने इस कानपुर में पहुंच के ये जो कानपुर है इस कानपुर में पहुंच के अपनी सेना को शेर शाह ने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया अब एक सेना ये शेर शाह के अधीन है और एक सेना अपने पुत्र कुतुब खां के अधीन इसने बांट दिया और दोनों को पहुंचना कहाँ है दोनों को पहुंचना है इस दिल्ली में ये किस रास्ते से चला ये अगर आप लोग देखेंगे तो कन्नौज के रास्ते से इसको जाना है और इसको किस रास्ते से जाना है इसको ये निश्चित हुआ कि ये आगरा के रास्ते से दिल्ली पहुंचे फटाफट लेकिन शेर शाह का बेटा कुतुब खां कन्नौज से ये कानपुर से निकला ही था और कानपुर से जब ये निकला और कालपी पहुंचा तो कालपी में ही इस हुमायूं को पता चल गया कि ये कालपी के रास्ते से आगरा होते हुए दिल्ली आ रहा है तो इस हुमायूं ने क्या किया इस काल्पी के निकट ही अपनी सेना को भेज दिया और काल्पी में एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ काल्पी के नाम से जाना जाना जाता है 1540 में ही एक युद्ध हुआ इसके बीच में ये कुतुब खां के बीच में और इस हुमायूं के सेना के बीच में इसमें कुतुब खां मारा गया और हुमायूं इस युद्ध में जीत गया कुतुब खां कौन था यह शेरशाह का पुत्र था ध्यान रखिएगा अब देखो भाई किसी का पुत्र मारा जाएगा वो द्रवित्त तो हो गए है ना शेर शाह का पुत्र कुतुब खां मारा गया और ये काम करके एक तरीके से हुमायूं ने गलती कर दी हुमायूं को ऐसा लगा कि पुत्र के वियोग में शेर शाह दुखी हो जाएगा और अब हमारा पीछा नहीं करेगा लेकिन शेर शाह का जो आत्मबल था वो तो दुखी थोड़ा ना होता है जो शासक होता है ना उसका परिवार भी उसके लिए कमजोरी नहीं होता उसके लिए कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं रखता शासक के लिए सिंहासन सर्वोपरि है और ये देखिए शेर यही काम कर रहा है लेकिन फिर भी दुखी तो हुआ ही फिर भी दुखी तो हुआ ही अब शेर शाह ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी सेना में एक रफ्तार लाई तब तक इधर हुमायूं भी क्या किया इस कन्नौज के मैदान में पहुंच गया कन्नौज का मैदान था और कन्नौज का जो स्थानीय मैदान था उसे बिलग्राम के नाम से जानते हैं इसी बिलग्राम के मैदान में इस हुमायूं से और इस सिरसा से युद्ध हुआ भयंकर युद्ध हुआ लेकिन शेरशाह इसमें पराजित हो गया और पराजित होके सिरसा भागा तो शेर शाह भागा उत्तरी पश्चिमी सीमा में ये पहुंच गया भाग के यहाँ पहुंच गया भाग के और इधर इधर क्या करता है इधर शेर शाह अब ये दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है कब ये काम करता है शेर शाह ये 1540 में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है तो अब दिल्ली किसके अधीन आ जाती है इस शेर शाह के अधीन आ जाती है और पंद्रह से पंद्रह का समय काल है और यहाँ पे दिल्ली में शासक बन बैठा शेरशाह इधर शेर शाह का शासन काल चल रहा है और इधर हुमायूं अपना निर्वासन जीवन शुरू कर रहा है 1540 में शुरू हो गया अब राहुल मौर्या है क्लास में राहुल मौर्य हम्म नहीं है चले गए मौर्या साहब इधर हैं हम्म आप तो तैयार हैं और हम आ ही रहे हैं तो समय से ही आएंगे जो समय का इंतजार करता है वो बिल्कुल सही होता है उसके लिए अब हुमायूं का निष्कासन करवाते हैं अकबर का जन्म वगैरह करवाते हैं तैयार हो जाइए ठीक <coughs> हेडिंग लिख लिए हुमायूं का हुमायूं का भारत से निर्वासन निर्वासन ये समय काल क्या है 1540 से शुरू होकर ये पंद्रह तक चलता रहता है निर्वासन का टाइम पीरियड अब आप लोगों ने देखा कि ये जो हुमायूं है हुमायूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पराजित हो जाता है कन्नौज में पराजित होके ये पहुंच जाता है इस सीमा पर इसी सीमा पे आप लोग देखेंगे क्या देखेंगे क्या देखेंगे आप लोग बताइए इसी सीमा पे जब पहुंचता है तो हुमायूं अपने भाई के यहां पहुंचता है हुमायूं किसके यहां पहुंचता है हुमायूं अपने भाई के यहां पहुंचता है और इसके भाई का नाम क्या है इसके भाई का नाम यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो शासन कर रहा है इसके भाई का नाम है कामरान इसके भाई का नाम है कामरान और कामरान के अधीन दो क्षेत्र हैं ध्यान रखिएगा एक का नाम है काबुल और एक का नाम है कंधार क्या नाम है काबुल और एक का नाम है कंधार अब इस कंधार और काबुल में शासन कर रहे अपने भाई कामरान से सहायता मांगी लेकिन कामरान ने बहुत ज्यादा एक तरीके से हुमायूं की हेल्प नहीं की तो हुमायूं जब यहाँ पे हेल्प नहीं करता है तो इसी समय अगर आप लोग देखोगे तो हुमायूं <polarization> अपना विवाह करता है इसी समय निर्वासन के समय ही क्या करता है विवाह करता है निर्वासन के समय ही ये जो हुमायूं है ना ये क्या करता है ये अपना विवाह करता है निर्वासन के समय ही हुमायूं अपना क्या करता है विवाह करता है ध्यान रखिएगा और विवाह किससे करता है और विवाह किससे करता है भाई हमीदा बानो बेगम से इस समय ये जो हुमायूं है ये अपना विवाह करता है और विवाह किससे करता है विवाह हमीदा बानो बेगम से करता है हमीदा बानो बेगम से करता है हमीदा बानो बेगम से करता है ठीक है यही वो समय है पंद्रह सो का कि ये हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है मीर अली की पुत्री है गुरु है हिंदाल का और ये हामिदा बानो बेगम इसी समय गर्भवती हो जाती है इनको लेके इसी समय ये जो हुमायूं है अब थोड़ा और समझिए हुमायूं कहाँ पहुंचता है हुमायूं यहीं पे पहुंचता है एक प्रांत है इसका नाम है सिंध एक प्रांत है इसका नाम है सिंध और सिंध का राजा कौन है सिंध का राजा है बीर और सिंध प्रांत में एक जो क्षेत्र है उसका नाम है अमरकोट इसी अमरकोट में पहुंचता है और सिंध के राजा से संरक्षण मांगता है सिंध का राजा संरक्षण दे देता है इसी समय हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से इसी समय हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से एक पुत्र का जन्म होता है और इस पुत्र का नाम क्या है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर प्रकट हो तो ये प्रकट हो गए इसी समय क्या होता है अकबर का जन्म हो जाता है यहीं पर राणा बीर साल के महल और यहीं पे एक कोटिया है इसी में इस का अकबर का जन्म होता है हमीदा बानो बेगम के पास में कुछ रहता नहीं है न हुमायूं के पास हुमायूं तो भगोड़ा ही है और ये भी एक गरीब ही महिला है तो इसने अपने हाथों के कंगन बेच के एक तरीके से बादशाह अकबर के हुमायूं के जन्मोत्सव को मनाया लेकिन यहां जो है शेर शाह ये जो शेर शाह है ये लगातार पीछा करवा रहा है अपने सेनापतियों से हुमायूं का ये हुमायूं को खोजो और उसका खात्मा करो तो एक तरीके से हुमायूं को डर बनी हुई है कि कहीं एक तरीके से शेर शाह आ जाएगा तो पत्नी भी मारी जाएगी अभी भी नया नया विवाह है और बच्चा भी मारा जाएगा बच्चा भी अभी बिल्कुल छोटा है तो इसी समय राहुल ये क्या करता है अपने बच्चे अकबर को हिंदाल के हाथ में सौंप देता है और यहीं पे एक तरीके से इसके परिवार में दो धायमा माँ रहती हैं महम अनगा जीजी अनगा इन्हीं के हाथ में अकबर को दे देता है और अकबर को देकर ये जो हुमायूं है ये सपत्नी यानी दोनों ये कहां चले जाते हैं अब दोनों को लेके जाता है ध्यान रखना छोड़ता नहीं है अपनी पत्नी को बच्चे को छोड़ दिया लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ा अब हुमायूं अपनी पत्नी को लेके यह ईरान से और ये सिंध से और आगे बढ़ गया और कहाँ पहुंच गया ये ईरान पहुंच गया ठीक है और ईरान के इस समय जो शासक हैं उनका नाम है शाह तहमास शाह तहमास ठीक है शाह तहमास अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिया हैं ये इस समय हुमायूं से कहते हैं देखो भाई हम तभी आपको संरक्षण देंगे जब सिया धर्म को आप धारण करेंगे हुमायूं ने कहा ठीक है भागे भूत को लंगोटी ही सही <laughs> कम से कम संरक्षण रहा है, कम है क्या तो इस समय हुमायूं ने क्या किया हुमायूं ने सिया धर्म को स्वीकार कर लिया हुमायूं ने किसको स्वीकार कर लिया सिया धर्म को स्वीकार कर लिया पहला बादशाह है जो सिया धर्म को स्वीकार कर रहा है ज्यादा ही ठंडी हो गई क्या या धर्म को स्वीकार कर लेता है अब इधर क्या होता है इसको देखिए ये तो अब इस ईरान के शासक के दरबार में रहने लगा हुमायूं ईरान के शासक के दरबार में रहने लगा ठीक है इधर क्या है इधर शेरशाह शासक बन जाता है मैं शेरशाह को अभी पढ़ाऊंगा नहीं बस थोड़ा सा याद रखिए शेरशाह का जो टाइम पीरियड है 1540 से स्टार्ट हो गया 1545 में समाप्त हो गया 1545 में शेर शाह कालिंजर में एक उक्का नामक तोप से गोला चला रहा था गोला लौट के आया उसको ही लग गया और इसी से एक तरीके से इसकी शेर शाह की 1545 में मृत्यु हो गई शेर शाह के जो उत्तराधिकारी बने वो आप लोग समझ लीजिए कि सिकंदर सूर इसके उत्तराधिकारी बने कौन उत्तराधिकारी बने सिकंदर सूर इसके उत्तराधिकारी बने और इसके दो मुख्य सेनापति हैं इन सेनापतियों का नाम आप लोग याद रखिए एक सेनापति का नाम है हैवाद और दूसरे का नाम है तातार खां अब हुमायूं ने अपने दूतों के माध्यम से पता करवा लिया कि भाई सिर की मृत्यु हुई तो इसके बाद में जो शासक बना इस्लाम शाह उसके बाद में सिकंदर सिकंदर कितना ताकतवर है कहीं सिर के जैसा ही ताकतवर तो नहीं है तो हुमायूं ने पता करवाया और पता चल गया कि भाई सिर था जैसा ये ताकतवर शासक नहीं है तो करीब करीब ये जो सिकंदर सूर का 1555 वाला समय है इस समय 1555 में इस सिकंदर सूर से दिल्ली छीनने के लिए हुमायूं पुनः दिल्ली की तरफ निकल पड़ा कहां से निकल पड़ा इस ईरान से दिल्ली की तरफ निकल पड़ा और इस सीमा पर पहुंच गया कहां पे पहुंच गया इस सीमा पर पहुंच गया और इस सीमा पर कहां पहुंचा इस सीमा पर अगर आप लोग देखेंगे तो यह हुमायूं जो पहुंच जाता है इस सीमा पर मच्छीवाड़ा पहुंच जाता है कहां पहुंच जाता है मच्छीवाड़ा तो एक बैटल होता है एक युद्ध होता है जिसे मच्छीवाड़ा का युद्ध पुकारा जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध ये कब होता है यह पंद्रह में ही होता है ठीक है यह है मच्छीवाड़ा का युद्ध इसमें एक तरफ कौन रहता है एक तरफ हुमायूं रहता है एक तरफ हुमायूं रहता है और हुमायूं के साथ में कौन रहता है बैरम खां आ रहा है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बैरम खां सियामतावलंबी है हुमायूं के साथ में आ रहा है ईरान से लेके इसको आ रहा है हुमायूं और दूसरी तरफ कौन होता है दूसरी तरफ तातार खां होता है दूसरी तरफ कौन होता है तातार खां और प्लस एक सेनापति और हैवात खां हैत खां ये किसके सेनापति हैं दोनों ये सिकंदर के सेनापति हैं सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर नहीं सिकंदर का मतलब सिकंदर सूर सिकंदर सिकंदर का मतलब गलती के अब बात आपके दिमाग से उतर नहीं हो रही होगी कि ये है? ये तो सर बता ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कैसे सर हैं कम से कम इतना तो बता देना चाहिए जब नया नया शब्द आ रहा है तो है ना तो मच्छीवाड़ा कहीं और नहीं है बाबू लोग ये पंजाब में ये कहाँ पे है ये पंजाब में स्थित है और पंजाब का एक क्षेत्र है इसका नाम है लुधियाना इसी लुधियाना में स्थित है अब तो याद हो गया होगा आपको लुधियाना में स्थित है मच्छीवाड़ा मच्छीवाड़ा के युद्ध में एक तरीके से हुमायूं ने बढ़त बना ली जब बढ़त बना ली तो ये दोनों सेनापति भाग के गए और अपने मुख्य शासक से बताते हैं देखो भाई हमको पराजित कर दिया है अब आपको और मजबूत सेना लेके चलना पड़ेगा तो यहाँ पे एक और युद्ध होता है इस युद्ध का नाम क्या है इस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध इस युद्ध का नाम है क्या सरहिंद का युद्ध यह भी 1555 में ही होता है यह अभी कब होता है सरहिंद का युद्ध यह भी 1555 सो ईस्वी में ही होता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कब होता है 1555 सो ईस्वी में होता है तो जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था वो मई में हुआ था ये कब हो रहा है ये जून 1555 में हो रहा है ये जून 1555 में हो रहा है तो एक कोड आपसे पूछेगा कि मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले हुआ या सरहिंद का युद्ध पहले हुआ तो आप लोग एक डिग्री समझिए डाकी में एमएस एमएस की एक डिग्री होती है तो पहले एम आया मतलब मच्छीवाड़ा आया फिर सरहिंद आया तो मच्छीवाड़ा मई में हुआ था और सरहिंद जून में हुआ था ये ये आपको पूछता है कई बार ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तो सरहिंद का युद्ध हुआ इसमें भी बैरम खां और हुमायूं हुई है और तातार खां हैवात खां और सिकंदर सूर स्वयं आया लेकिन जून 1555 में ये एक तरीके से जो सरहिंद का युद्ध हुआ इस सरहिंद भी पंजाब में है इसमें तातार खां अपने मुख्य शासक के साथ में क्या हुआ पराजित हो गया तो ये लोग पराजित हो गए और ये जीत गया जब ये जीत गया तो आगे क्या करता है जब ये जीत गया स्क्रीनशॉट वगैरह अपना लेते रहिएगा आप लोग फटाफट जल्दी कीजिए हो गया नहीं हुआ अभी ओके हो गया तो थोड़ा आगे बढ़िए आज तो आप लोग काफ़ी बहादुर हैं पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं तो अब एक तरीके से 1555 में ये जो दिल्ली है इस दिल्ली पर पुनः हुमायूं का कब्जा हो गया इस दिल्ली पर पुनः हुमायूं का कब्जा हो गया ठीक है इस पर आ गया हुमायूं पुनः कब्जा कर लिया और भारत में दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली कब 1555 सो ईस्वी में और इस समय ये जो हुमायूं है हुमायूं दिल्ली में एक काम करता है दिल्ली में एक नगर बसवाता है उस नगर का नाम क्या है इस समय दिल्ली में एक नगर बसाता है हुमायूं। इसका नाम है दीन पनाह नगर इसका नाम है दीन पनाह नगर। ठीक है दीन पनाह नगर यह बसाता है और दीन पनाह नगर में ही एक पुस्तकालय बनवाता है यह एक क्या बनवाता है एक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाता है पढ़ने लिखने का बड़ा शौकीन है हुमायूं ध्यान रखिएगा इस बात को और इस पुस्तकालय का नाम क्या है इस पुस्तकालय का नाम है शेर मंडल पुस्तकालय क्या नाम है बाबूलोक शेर मंडल पुस्तकालय इसका नाम अब इसी पुस्तकालय में लगातार हुमायूं जाता आता रहता है पुस्तकालय में पुस्तकें रहती हैं लाइब्रेरी है, है यह पढ़ने में इसे शौक भी है इस हुमायूं को लेकिन एक दिन इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि अजान की आवाज आई और बड़ी तेजी से इसके कानों में आई इससे ये स्थिर नहीं रह सका और कहते हैं कि ये गिर गया इस पुस्तकालय की सीढ़ियों पर यह गिर गया और इसी के गिरने से इसी इसी समय गिरने से इसको काफी घातक चोट आई और कालांतर में इसी चोट की वजह से इस हुमायूं की क्या हो गई 1556 में डेथ हो गई मृत्यु हो गई ठीक है जब मृत्यु हो गई तो इसी समय एक इतिहासकार प्रकट होते हैं कमेंट करने के लिए पुल स्टेनले लेन पुल स्टेनले लेन पुल साहब कहते हैं कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया था और लुढ़कते लुढ़कते चला गया ये है स्टेनले लेन पुल साहब कहते हैं इसके बारे में हुमायूं के बारे में इसके बारे में हुमायूं के बारे में तो ये आपका हुमायूं का कंप्लीट इतिहास रहा वो क्या नाम है भाई राहुल तुम्हें कुछ जवाब मिला था तुम्हें जवाब मिल गया समझ में आ गया वही है उसी को एग्जैक्ट समझते रहिएगा जो हमने बताया तो ये हुमायूं हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा जाए अकबर को पढ़ा जाए गुड इसको पढ़ा जाए अकबर को पढ़ा जाए नहीं पढ़ेंगे मत पढ़िए कोई बात नहीं ये इस समय आफर का बीक चल रहा है आप लोग एडमिशन लेंगे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा हमें भी आप लोगों से एक प्रेरणा मिलेगी तो हमारा रेफरल कोड आपके सामने है जब भी एडमिशन लीजिए 11 तारीख के पहले लीजिए क्यों 11 तारीख के पहले क्योंकि इस समय ऑफर आप लोगों के बीच में चल रहा है 11 मई तक इस समय अगर एक साल के कोर्स में फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं या दो साल तो तीन महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है दो साल या तीन साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो छह महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे फीस मैंसन है आप लोगों में से कोई भी अगर लोन के माध्यम से एडमिशन लेना चाहता हो तो हमारे उस पर टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर ले अगर कोई दिक्कत हो या हमारे नंबर पे मैसेज कर ले और अगर लोन के माध्यम से कोई दिक्कत आती है आप कॉल कर सकते हैं हमारे रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं प्रापर हमारे गाइडेंस में आ जाएंगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी आपके सामने हम रहेंगे और जब तक आप तैयारी करते हैं तब तक जब तक आपका सलेक्शन नहीं होता है तब तक तो आप भी हमारे कोड का प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए आप सभी लोग भी इसके अलावा यहाँ पे कामबैक टेस्ट होने जा रहा है भाई पंद्रह मई को आप लोग इसमें भागीदारी कीजिए और आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त हो रही है अब अकबर को पढ़ा जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लगभग दो घंटे की क्लास भी हो गई क्यों हाँ दो घंटे काफ़ी है कैसा लगा भाई आज लोग कैसा लगा हम्म तो सेशन को लाइक भी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके आप सब लोग सभी लोग लो बताइएगा हाँ चैट से तो बता ही रहे हैं कमेंट के माध्यम से भी बताया कि जी आप सभी लोगों आपको कैसा लगा क्लास ठीक है ठीक विकास बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मज़ा आया अच्छा चलो अच्छी बात है हाँ कमेंट आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद किया कीजिए ठीक है ओके बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद वाकई आप लोग बहुत अच्छे हैं मानना पड़ेगा ओके ओके बाय बाय अब आपको 10 बजे पुनः यूट्यूब पे मिलेंगे अभी आधुनिक भारत की क्लास होगी 10 बजे ठीक है रात में ओके okay, ध्यान रखना आप सभी लोग अपना अरे अकबर का जन्म पंद्रह सौ बयालीस में ही हुआ चिंता मत कीजिए पंद्रह सौ बयालीस में ही जन्म हुआ ठीक है हाँ वो हो गया होगा उसमें चिंता मत कीजिए ठीक है ना आप लोग ठीक आ, अकबर का जन्म अक्टूबर पंद्रह सौ बयालीस में ही हुआ ओके ओके बाय बाय ऐसा है राकेश चलो बहुत बहुत धन्यवाद